बॉलीवुड में बनी एक शानदार मूवी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये कौन सी मूवी है, कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, क्या इस मूवी की स्टोरी है, इन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी बेहद ही कमाल की एक मूवी को एंजॉय कर सकें। दोस्तों, मूवी काफ़ी बढ़िया बनाई गई है, तो इस मूवी को आप लोग एक बार तो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इस मूवी के बारे में बात करते हैं। ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा, जो कि इस मूवी का पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट भी आपको देखने को मिलेगा। मूवी के बारे में बात करें तो 2022 में इस मूवी को रिलीज़ किया गया था। यह मूवी एक्शन और एडवेंचर के ऊपर बनाई गई है। 2 घंटे 40 मिनट की ये मूवी है जो आपको बोर नहीं कराएंगी। इस मूवी की कहानी काफ़ी बढ़िया है। जो IMDB है वहाँ पर 10 आउट ऑफ 5.6 की रेटिंग इस मूवी को मिली है और जो रॉटन टमाटोज है वहाँ पर भी 50% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया हुआ है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी 72% लोगों ने इस मूवी को लाइक दिया हुआ है। इस मूवी के जो डायरेक्टर थे वो आयन मुखर्जी रहे थे, जिन्हें आप सभी लोग जानते ही होंगे, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है। इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार मूवीज़ बनाई हुई है। तो इनकी अगर आप ये मूवी देखते हैं तो आप इनकी कुछ पुरानी मूवीज़ भी देख सकते हैं जो काफ़ी बढ़िया उन्होंने बनाई है। कहा जाता है कि इस मूवी को बनने में काफ़ी टाइम लगा है। खैर, चलिए इस मूवी की जो कहानी है इसके बारे में बात करते हैं और कहाँ पर कौन से प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं ये मूवी देखनी है तो कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, अगर आप लोग ब्रह्मास्त्र मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर मूवी अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। बाकी ये आपको YouTube पर नहीं देखने को मिलेंगी। इसकी सिंपल वजह है कॉपीराइट इशू, इसके चलते ये मूवी आपको YouTube पर नहीं देखने को मिलेंगी। इस मूवी में आपको शाहरुख खान का कैमियो भी देखने को मिल जाता है, जिनके बारे में हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। इस मूवी के जो मैन कास्ट है उसके अंदर रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन, मौनी रॉय, शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, डिम्पल कपाड़िया, सौरव गुर्जर, मकरंद सोनी, सुदेव नायर, मधुमति कपूर और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार मूवी में देखने को मिलते हैं। सभी कलाकारों ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो आपको ज़रूर पसंद आने वाला है। चलिए अब बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी क्या है और इस मूवी में हमें क्या नया देखने को मिलेगा। वैसे इस मूवी की दोस्तों स्टोरी काफ़ी सिंपल है और आप इस मूवी को देखेंगे तो आप ही के बारे में इस मूवी की जो कहानी है वो भी समझ जाएंगे। पर कुछ लोगों को इस मूवी की जो कहानी है वो समझने में दिक्कत हो सकती है या फिर दोबारा इस मूवी को देखना पड़ सकता है। खैर, आप लोग इस मूवी को देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इसकी कहानी समझ ही जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में, क्या स्टोरी है, क्या आपको देखने को मिलता है, इस मूवी का कलेक्शन क्या रहा था, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कहानी की अगर बात करें तो कहानी हमारी भारतीय कथा पुराणों में देवता असुर और शिव से रहस्य शुरू होकर आज के समय की है। रणबीर कपूर बने हैं एक DJ शिवा, जिन्हें दशहरे के मेले में एक लड़की ईशा यानी कि आलिया भट्ट से पहली बार पहली नज़र वाला फर्स्ट टाइम प्यार हो जाता है। लेकिन प्यार के साथ उन्हें एक सुपर नेचुरल ब्रह्म अनुभव होता है जो उसके बचपन के सपनों के साथ जुड़ा होता है। शिवा की कहानी आगे जुड़ी होती है एक वैज्ञानिक मोहन यानी कि शाहरुख खान और बनारस के पेटर सेठी यानी कि नागार्जुन के साथ इसी के साथ एंट्री होती है असुरों की जो इन सब की संचालित है वो एक अक्षित। फिर यहाँ पर जो जुनून है वो एक एक करके मोहन और सेठी को मार डालती है। पता चलता है कि सारा खेल ब्रह्मास्त्र को पाने का है जिसकी रक्षा 3 लोग कर रहे होते हैं। मोहन और जुनून का ये खेल शिवा अनुभव करता है जो ईशा के साथ अपने प्यार की शुरुआत करता है। ईशा और शिवा निकल पड़ते मोहन के इस दिव्य अनुभव के तार ढूंढने के लिए और बनारस होते हुए पहुंच जाते हैं ब्रह्म गुरु यानी कि अमिताभ बच्चन के पास, जो शिवा को उनके अंदर शक्ति का एहसास दिलाते हैं और अंत में बुराई पर अच्छाई की विजय होती है। वे आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। फिल्म काफ़ी महंगी है जिसे बनाने में एक लंबा अरसा लगा है, लेकिन निर्देशक आयन मुखर्जी ने बड़ी मेहनत से बनाया है। फिल्म का मुख्य आकर्षण है फिल्म के स्पेशल इफेक्ट जो काफ़ी अच्छे हैं। मूवी देखकर लगता है कि किसी भी हॉलीवुड का यहाँ पर मूवी जो है उसे टक्कर दे सकता है ब्रह्मास्त्र। फिल्म की फोटोग्राफी काफ़ी अच्छी है और बनारस और हिमाचल के दृश्यों को खूबसूरती के साथ दिखाया गया है।
फिल्म 3D में है इसलिए एक्शन सीन आपको चश्मा लगाकर या फिर IMAX में देखनी पड़ सकते हैं। अगर आप इस मूवी को एक बहुत ही बड़ी स्क्रीन पर देखेंगे तो अलग ही आपको आनंद आएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो मूवी है वो इस तरह से बनाई गई है कि बड़े स्क्रीन पर ये मूवी काफ़ी अच्छी लगेंगी। इस मूवी के अंदर जितने भी किरदार हैं सभी कलाकारों ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की हुई है। ये एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है जिसे एक बार देखा जा सकता है। इस मूवी का दूसरा पार्ट भी आएगा जिसकी अनाउंसमेंट बहुत जल्दी ही करा दी जाएंगी, तो आप इस मूवी को दोस्तों एक बार तो ज़रूर देख लीजिएगा। ये मूवी आपको ज़रूर अच्छी लगने वाली है। आने वाले टाइम में अगर इस मूवी का कोई भी प्रीमियर होता है तो मैं आपको बताऊंगा। आप सभी लोग मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में आप सभी को जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस कमाल की मूवी को Disney+ ऑफर पर जाकर देखेंगे। इसके अलावा ये मूवी आपको कैसे लगते हैं आप मुझे ज़रूर बताइएगा। बॉलीवुड में बनी एक शानदार मूवी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये कौन सी मूवी है, कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, क्या इस मूवी की स्टोरी है, इन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी बेहद ही कमाल की एक मूवी को एंजॉय कर सकें। दोस्तों मूवी काफ़ी बढ़िया बनाई गई है, तो इस मूवी को आप लोग एक बार तो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इस मूवी के बारे में बात करते हैं। ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा, जो कि इस मूवी का पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट भी आपको देखने को मिलेगा। मूवी के बारे में बात करें तो 2022 में इस मूवी को रिलीज़ किया गया था। यह मूवी एक्शन और एडवेंचर के ऊपर बनाई गई है। 2 घंटे 40 मिनट की ये मूवी है जो आपको बोर नहीं कराएंगी। इस मूवी की कहानी काफ़ी बढ़िया है, जो IMDB है वहाँ पर 10 आउट ऑफ 5.6 की रेटिंग इस मूवी को मिली है, और जो रॉटन टमाटोज है वहाँ पर भी 50% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया हुआ है, और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी 72% लोगों ने इस मूवी को लाइक दिया हुआ है। इस मूवी के जो डायरेक्टर थे वो आयन मुखर्जी रहे थे, जिन्हें आप सभी लोग जानते ही होंगे, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है। इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार मूवीज़ बनाई हुई है। तो इनकी अगर आप ये मूवी देखते हैं तो आप इनकी कुछ पुरानी मूवीज़ भी देख सकते हैं जो काफ़ी बढ़िया उन्होंने बनाई है। कहा जाता है कि इस मूवी को बनने में काफ़ी टाइम लगा है। खैर चलिए इस मूवी की जो कहानी है इसके बारे में बात करते हैं और कहाँ पर कौन से प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं ये मूवी देखनी है तो कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों अगर आप लोग ब्रह्मास्त्र मूवी को देखना चाहते हैं तो Disney+ हॉटस्टार पर मूवी अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। बाकी ये आपको YouTube पर नहीं देखने को मिलेंगी, इसकी सिंपल वजह है कॉपीराइट इशू, इसके चलते ये मूवी आपको YouTube पर नहीं देखने को मिलेंगी। इस मूवी में आपको शाहरुख खान का कैमियो भी देखने को मिल जाता है, जिनके बारे में हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। इस मूवी के जो मैन कास्ट है उसके अंदर रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन, मौनी रॉय, शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, डिम्पल कपाड़िया, सौरव गुर्जर, मकरंद सोनी, सुदेव नायर, मधुमति कपूर और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार मूवी में देखने को मिलते हैं। सभी कलाकारों ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो आपको ज़रूर पसंद आने वाला है। चलिए अब बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी क्या है और इस मूवी में हमें क्या नया देखने को मिलेगा। वैसे इस मूवी की दोस्तों स्टोरी काफ़ी सिंपल है और आप इस मूवी को देखेंगे तो अभी के बारे में इस मूवी की जो कहानी है वो भी समझ जाएंगे, पर कुछ लोगों को इस मूवी की जो कहानी है वो समझने में दिक्कत हो सकती है या फिर दोबारा इस मूवी को देखना पड़ सकता है। खैर आप लोग इस मूवी को देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इसकी कहानी समझ ही जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में, क्या स्टोरी है, क्या आपको देखने को मिलता है, इस मूवी का कलेक्शन क्या रहा था, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कहानी की अगर बात करें तो कहानी हमारी भारतीय कथा पुराणों में देवता असुर और शिव से रहस्य शुरू होकर आज के समय की है। रणबीर कपूर बने हैं एक DJ शिवा, जिन्हें दशहरे के मेले में एक लड़की ईशा यानी कि आलिया भट्ट से पहली नज़र वाला फर्स्ट टाइम प्यार हो जाता है, लेकिन प्यार के साथ उन्हें एक सुपर नेचुरल ब्रह्म अनुभव होता है जो उसके बचपन के सपनों के साथ जुड़ा होता है। शिवा की कहानी आगे जुड़ी होती है एक वैज्ञानिक मोहन यानी कि शाहरुख खान और बनारस के पेटर सेटी यानी कि नागार्जुन के साथ इसी के साथ एंट्री होती है। असुरों की जो इन सब की संचालित है वो एक अक्षित, फिर यहाँ पर जो जुनून है वो एक एक करके मोहन और सैटी को मार डालती है। पता चलता है कि सारा खेल ब्रह्मास्त्र को
पाने का है, जिसकी रक्षा तीन लोग कर रहे होते हैं। मोहन और जुनून का ये खेल शिवा अनुभव करता है, जो ईशा के साथ अपने प्यार की शुरुआत करता है। ईशा और शिवा निकल पड़ते मोहन के इस दिव्य अनुभव के तार ढूंढने के लिए और बनारस होते हुए पहुंच जाते हैं ब्रह्म गुरु यानी कि अमिताभ बच्चन के पास, जो शिवा को उनके अंदर की का एहसास दिलाते हैं और अंत में बुराई पर अच्छाई की विजय होती है, वह आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। फिल्म काफ़ी महंगी है, जिसे बनाने में एक लंबा अरसा लगा है, लेकिन निर्देशक आयन मुखर्जी ने बड़ी मेहनत से बनाया है। फिल्म का मुख्य आकर्षण है फिल्म के स्पेशल इफेक्ट, जो काफ़ी अच्छे हैं। मूवी देखकर लगता है कि किसी भी हॉलीवुड का यहाँ पर मूवी जो है उसे टक्कर दे सकता है ब्रह्मास्त्र। फिल्म की फोटोग्राफी काफ़ी अच्छी है और बनारस और हिमाचल के दृश्यों को खूबसूरती के साथ दिखाया गया है। फिल्म 3D में है, इसलिए एक्शन सीन आपको चश्मा लगाकर या फिर IMAX में देखने पड़ सकते हैं। अगर आप इस मूवी को एक बहुत ही बड़ी स्क्रीन पर देखेंगे तो अलग ही आपको आनंद आएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो मूवी है वो इस तरह से बनाई गई है कि बड़े स्क्रीन पर ये मूवी काफ़ी अच्छी लगेंगी। इस मूवी के अंदर जितने भी किरदार हैं सभी कलाकारों ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की हुई है। ये एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है, जिसे एक बार देखा जा सकता है। इस मूवी का दूसरा पार्ट भी आएगा, जिसकी अनाउंसमेंट बहुत जल्दी ही करा दी जाएंगी। तो आप इस मूवी को दोस्तों एक बार तो ज़रूर देख लीजिएगा, ये मूवी आपको ज़रूर अच्छी लगने वाली है। आने वाले टाइम में अगर इस मूवी का कोई भी प्रीमियर होता है तो मैं आपको बताऊंगा। आप सभी लोग मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में आप सभी को जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस कमाल की मूवी को Disney+ ऑफर पर जाकर देखेंगे। इसके अलावा ये मूवी आपको कैसे लगते हैं आप मुझे ज़रूर बताइएगा। बॉलीवुड में बनी एक शानदार मूवी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये कौन सी मूवी है, कहां पर आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, क्या इस मूवी की स्टोरी है, इन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी बेहद ही कमाल की एक मूवी को इंजॉय कर सकें। दोस्तों मूवी काफ़ी बढ़िया बनाई गई है, तो इस मूवी को आप लोग एक बार तो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इस मूवी के बारे में बात करते हैं। ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा, जो कि इस मूवी का पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट भी आपको देखने को मिलेगा। मूवी के बारे में बात करें तो 2022 में इस मूवी को रिलीज़ किया गया था। यह मूवी एक्शन और एडवेंचर के ऊपर बनाई गई है। 2 घंटे 40 मिनट की ये मूवी है, जो आपको बोर नहीं कराएंगी। इस मूवी की कहानी काफ़ी बढ़िया है, जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 5.6 की रेटिंग इस मूवी को मिली है, और जो रॉटन टमाटोज है वहाँ पर भी 50% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया हुआ है, और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी 72% लोगों ने इस मूवी को लाइक दिया हुआ है। इस मूवी के जो डायरेक्टर थे वो आयन मुखर्जी रहे थे, जिन्हें आप सभी लोग जानते ही होंगे, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है। इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार मूवीज़ बनाई हुई है। तो इनकी अगर आप ये मूवी देखते हैं तो आप इनकी कुछ पुरानी मूवीज भी देख सकते हैं, जो काफ़ी बढ़िया उन्होंने बनाई है। कहा जाता है कि इस मूवी को बनने में काफ़ी टाइम लगा है। खैर चलिए इस मूवी की जो कहानी है इसके बारे में बात करते हैं, और कहां पर कौन से प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं ये मूवी देखनी है तो कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों अगर आप लोग ब्रह्मास्त्र मूवी को देखना चाहते हैं तो Disney+ सॉफ्टवेयर पर मूवी अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। बाकी ये आपको YouTube पर नहीं देखने को मिलेंगी, इसकी सिंपल वजह है कॉपीराइट इशू, इसके चलते ये मूवी आपको YouTube पर नहीं देखने को मिलेंगी। इस मूवी में आपको शाहरुख खान का कैमियो भी देखने को मिल जाता है, जिनके बारे में हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। इस मूवी के जो मैन कास्ट है उसके अंदर रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन, मौनी रॉय, शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, डिम्पल कपाड़िया, सौरव गुर्जर, मकरंद सोनी, सुदेव नायर, मधुमति कपूर और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार मूवी में देखने को मिलते हैं। सभी कलाकारों ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है, जो आपको ज़रूर पसंद आने वाला है। चलिए अब बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी क्या है और इस मूवी में हमें क्या नया देखने को मिलेगा। वैसे इस मूवी की दोस्तों स्टोरी काफ़ी सिंपल है, और आप इस मूवी को देखेंगे तो अभी के बारे में इस मूवी की जो कहानी है वो भी समझ जाएंगे। पर कुछ लोगों को इस मूवी की जो कहानी है वो समझने में दिक्कत हो सकती है, या फिर दोबारा इस मूवी को देखना पड़ सकता है। खैर आप लोग इस मूवी को देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इसकी कहानी समझ ही जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में, क्या स्टोरी है, क्या आपको देखने को मिलता है, इस मूवी का कलेक्शन क्या रहा था, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा
कर लेते हैं। कहानी की अगर बात करें तो कहानी हमारी भारतीय कथा पुराणों में देवता असुर और शिव से रहस्य शुरू होकर आज के समय की है। रणबीर कपूर बने हैं एक डीजे शिवा, जिन्हें दशहरे के मेले में एक लड़की ईशा यानी कि आलिया भट्ट से पहली बार पहली नज़र वाला फर्स्ट टाइम प्यार हो जाता है, लेकिन प्यार के साथ उन्हें एक सुपर नेचुरल ब्रह्म अनुभव होता है जो उसके बचपन के सपनों के साथ जुड़ा होता है। शिवा की कहानी आगे जुड़ी होती है एक वैज्ञानिक मोहन यानी कि शाहरुख खान और बनारस के पेटर सेटी यानी कि नागार्जुन के साथ, इसी के साथ एंट्री होती है असुरों की जो इन सब की संचालित है वो एक अक्षित। फिर यहाँ पर जो जुनून है वो एक एक करके मोहन और सेटी को मार डालती है। पता चलता है कि सारा खेल ब्रह्मास्त्र को पाने का है जिसकी रक्षा तीन लोग कर रहे होते हैं। मोहन और जुनून का ये खेल शिवा अनुभव करता है जो ईशा के साथ अपने प्यार की शुरुआत करता है। ईशा और शिवा निकल पड़ते मोहन के इस दिव्य अनुभव के तार ढूंढने के लिए और बनारस होते हुए पहुंच जाते हैं ब्रह्म गुरु यानी कि अमिताभ बच्चन के पास, जो शिवा को उनके अंदर शक्ति का एहसास दिलाते हैं और अंत में बुराई पर अच्छाई की विजय होती है वे आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। फिल्म काफ़ी महंगी है जिसे बनाने में एक लंबा अरसा लगा है, लेकिन निर्देशक आयन मुखर्जी ने बड़ी मेहनत से बनाया है। फिल्म का मुख्य आकर्षण है फिल्म के स्पेशल इफेक्ट जो काफ़ी अच्छे हैं। मूवी देखकर लगता है कि किसी भी हॉलीवुड का यहाँ पर मूवी जो है उसे टक्कर दे सकता है ब्रह्मास्त्र। फिल्म की फोटोग्राफी काफ़ी अच्छी है और बनारस और हिमाचल के दृश्यों को खूबसूरती के साथ दिखाया गया है। फिल्म 3D में है इसलिए एक्शन सीन आपको चश्मा लगाकर या फिर IMAX में देखने पड़ सकते हैं। अगर आप इस मूवी को एक बहुत ही बड़ी स्क्रीन पर देखेंगे तो अलग ही आपको आनंद आएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो मूवी है वो इस तरह से बनाई गई है कि बड़े स्क्रीन पर ये मूवी काफ़ी अच्छी लगेंगी। इस मूवी के अंदर जितने भी किरदार हैं सभी कलाकारों ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की हुई है। ये एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है जिसे एक बार देखा जा सकता है। इस मूवी का दूसरा पार्ट भी आएगा जिसकी अनाउंसमेंट बहुत जल्दी ही करा दी जाएंगी, तो आप इस मूवी को दोस्तों एक बार तो ज़रूर देख लीजिएगा। ये मूवी आपको ज़रूर अच्छी लगने वाली है। आने वाले टाइम में अगर इस मूवी का कोई भी प्रीमियर होता है तो मैं आपको बताऊँगा। आप सभी लोग मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में आप सभी को जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस कमाल की मूवी को Disney+ ऑफर पर जाकर देखेंगे। इसके अलावा ये मूवी आपको कैसे लगते हैं आप मुझे ज़रूर बताइएगा। बॉलीवुड में बनी एक शानदार मूवी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये कौन सी मूवी है, कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, क्या इस मूवी की स्टोरी है, इन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी बेहद ही कमाल की एक मूवी को एंजॉय कर सकें। दोस्तों मूवी काफ़ी बढ़िया बनाई गई है, तो इस मूवी को आप लोग एक बार तो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इस मूवी के बारे में बात करते हैं। ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा, जो कि इस मूवी का पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट भी आपको देखने को मिलेगा। मूवी के बारे में बात करें तो 2022 में इस मूवी को रिलीज़ किया गया था। यह मूवी एक्शन और एडवेंचर के ऊपर बनाई गई है। 2 घंटे 40 मिनट की ये मूवी है जो आपको बोर नहीं कराएंगी। इस मूवी की कहानी काफ़ी बढ़िया है, जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 5.6 की रेटिंग इस मूवी को मिली है और जो रॉटन टमाटोज है वहाँ पर भी 50% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया हुआ है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी 72% लोगों ने इस मूवी को लाइक दिया हुआ है। इस मूवी के जो डायरेक्टर थे वो आयन मुखर्जी रहे थे, जिन्हें आप सभी लोग जानते ही होंगे, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है। इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार मूवीज़ बनाई हुई है, तो इनकी अगर आप ये मूवी देखते हैं तो आप इनकी कुछ पुरानी मूवीज भी देख सकते हैं जो काफ़ी बढ़िया उन्होंने बनाई है। कहा जाता है कि इस मूवी को बनने में काफ़ी टाइम लगा है। खैर चलिए इस मूवी की जो कहानी है इसके बारे में बात करते हैं और कहां पर कौन से प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं ये मूवी देखनी है तो कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों अगर आप लोग ब्रह्मास्त्र मूवी को देखना चाहते हैं तो Disney+ सॉफ्टवेयर पर मूवी अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। बाकी ये आपको YouTube पर नहीं देखने को मिलेंगी, इसकी सिंपल वजह है कॉपीराइट इशू, इसके चलते ये मूवी आपको YouTube पर नहीं देखने को मिलेंगी। इस मूवी में आपको शाहरुख खान का कैमियो भी देखने को मिल जाता है, जिनके बारे में हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। इस मूवी के जो मैन कास्ट है उसके अंदर रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन, मौनी रॉय, शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण,
डिंपल कपाड़िया, सौरव गुर्जर, मकरंद सोनी, सुदेव नायर, मधुमति कपूर और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार मूवी में देखने को मिलता है। सभी कलाकारों ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो आपको ज़रूर पसंद आने वाला है। चलिए अब बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी क्या है और इस मूवी में हमें क्या नया देखने को मिलेगा। वैसे इस मूवी की दोस्तों स्टोरी काफ़ी सिंपल है और आप इस मूवी को देखेंगे तो आप एक ही बार में इस मूवी की जो कहानी है वो भी समझ जाएंगे। पर कुछ लोगों को इस मूवी की जो कहानी है वो समझने में दिक्कत हो सकती है या फिर दोबारा इस मूवी को देखना पड़ सकता है। खैर, आप लोग इस मूवी को देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इसकी कहानी समझ ही जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में, क्या स्टोरी है, क्या आपको देखने को मिलता है, इस मूवी का कलेक्शन क्या रहा था, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कहानी की अगर बात करें तो कहानी हमारी भारतीय कथा पुराणों में देवता असुर और शिव से रहस्य शुरू होकर आज के समय की है। रणबीर कपूर बने हैं एक डीजे शिवा, जिन्हें दशहरे के मेले में एक लड़की ईशा यानी कि आलिया भट्ट से पहली बार पहली नज़र वाला फर्स्ट टाइम प्यार हो जाता है। लेकिन प्यार के साथ उन्हें एक सुपर नेचुरल ब्रह्म अनुभव होता है जो उसके बचपन के सपनों के साथ जुड़ा होता है। शिवा की कहानी आगे जुड़ी होती है एक वैज्ञानिक मोहन यानी कि शाहरुख खान और बनारस के पेटर सेठी यानी कि नागार्जुन के साथ, इसी के साथ एंट्री होती है असुरों की जो इन सब की संचालित है वो एक अक्षित। फिर यहाँ पर जो जुनून है वो एक एक करके मोहन और सेठी को मार डालती है। पता चलता है कि सारा खेल ब्रह्मास्त्र को पाने का है जिसकी रक्षा तीन लोग कर रहे होते हैं। मोहन और जुनून का ये खेल शिवा अनुभव करता है जो ईशा के साथ अपने प्यार की शुरुआत करता है। ईशा और शिवा निकल पड़ते मोहन के इस दिव्य अनुभव के तार ढूंढने के लिए और बनारस होते हुए पहुंच जाते हैं ब्रह्म गुरु यानी कि अमिताभ बच्चन के पास, जो शिवा को उनके अंदर की का एहसास दिलाते हैं और अंत में बुराई पर अच्छाई की विजय होती है। वे आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। फिल्म काफ़ी महंगी है जिसे बनाने में एक लंबा अरसा लगा है, लेकिन निर्देशक आयन मुखर्जी ने बड़ी मेहनत से बनाया है। फिल्म का मुख्य आकर्षण है फिल्म के स्पेशल इफेक्ट जो काफ़ी अच्छे हैं। मूवी देखकर लगता है कि किसी भी हॉलीवुड का यहाँ पर मूवी जो है उसे टक्कर दे सकता है ब्रह्मास्त्र। फिल्म की फोटोग्राफी काफ़ी अच्छी है और बनारस और हिमाचल के दृश्यों को खूबसूरती के साथ दिखाया गया है। फिल्म 3D में है इसलिए एक्शन सीन आपको चश्मा लगाकर या फिर IMAX में देखने पड़ सकते हैं। अगर आप इस मूवी को एक बहुत ही बड़ी स्क्रीन पर देखेंगे तो अलग ही आपको आनंद आएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो मूवी है वो इस तरह से बनाई गई है कि बड़े स्क्रीन पर ये मूवी काफ़ी अच्छी लगेंगी। इस मूवी के अंदर जितने भी किरदार हैं सभी कलाकारों ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की हुई है। ये एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है जिसे एक बार देखा जा सकता है। इस मूवी का दूसरा पार्ट भी आएगा जिसकी अनाउंसमेंट बहुत जल्दी ही करा दी जाएंगी, तो आप इस मूवी को दोस्तों एक बार तो ज़रूर देख लीजिएगा। ये मूवी आपको ज़रूर अच्छी लगने वाली है। आने वाले टाइम में अगर इस मूवी का कोई भी प्रीमियर होता है तो मैं आपको बताऊंगा। आप सभी लोग मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में आप सभी को जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस कमाल की मूवी को Disney+ सॉफ्टवेयर पर जाकर देखेंगे। इसके अलावा ये मूवी आपको कैसे लगते हैं आप मुझे ज़रूर बताइएगा। बॉलीवुड में बनी एक शानदार मूवी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये कौन सी मूवी है, कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, क्या इस मूवी की स्टोरी है, इन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी बेहद ही कमाल की एक मूवी को एंजॉय कर सकें। दोस्तों मूवी काफ़ी बढ़िया बनाई गई है तो इस मूवी को आप लोग एक बार तो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इस मूवी के बारे में बात करते हैं। ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा, जो कि इस मूवी का पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट भी आपको देखने को मिलेगा। मूवी के बारे में बात करें तो 2022 में इस मूवी को रिलीज़ किया गया था। यह मूवी एक्शन और एडवेंचर के ऊपर बनाई गई है। 2 घंटे 40 मिनट की ये मूवी है जो आपको बोर नहीं कराएंगी। इस मूवी की कहानी काफ़ी बढ़िया है, जो IMDB है वहाँ पर 10 आउट ऑफ 5.6 की रेटिंग इस मूवी को मिली है और जो रॉटन टमाटोज है वहाँ पर भी 50% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया हुआ है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी 72% लोगों ने इस मूवी को लाइक दिया हुआ है। इस मूवी के जो डायरेक्टर थे वो आयन मुखर्जी रहे थे, जिन्हें आप सभी लोग जानते ही होंगे, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है। इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार मूवीज़ बनाई हुई है
तो इनकी अगर आप ये मूवी देखते हैं तो आप इनकी कुछ पुरानी मूवीज भी देख सकते हैं जो काफ़ी बढ़िया उन्होंने बनाई है। कहा जाता है कि इस मूवी को बनने में काफ़ी टाइम लगा है। खैर चलिए, इस मूवी की जो कहानी है इसके बारे में बात करते हैं और कहाँ पर कौन से प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं ये मूवी देखनी है तो कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, अगर आप लोग ब्रह्मास्त्र मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर मूवी अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। बाकी ये आपको यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेंगी, इसकी सिंपल वजह है कॉपीराइट इशू, इसके चलते ये मूवी आपको यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेंगी। इस मूवी में आपको शाहरुख खान का कैमियो भी देखने को मिल जाता है, जिनके बारे में हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। इस मूवी के जो मैन कास्ट है उसके अंदर रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन, मौनी रॉय, शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, डिम्पल कपाड़िया, सौरव गुर्जर, मकरंद सोनी, सुदेव नायर, मधुमति कपूर और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार मूवी में देखने को मिलते हैं। सभी कलाकारों ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो आपको ज़रूर पसंद आने वाला है। चलिए अब बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी क्या है और इस मूवी में हमें क्या नया देखने को मिलेगा। वैसे इस मूवी की दोस्तों स्टोरी काफ़ी सिंपल है और आप इस मूवी को देखेंगे तो आप ही के बारे में इस मूवी की जो कहानी है वो भी समझ जाएंगे। पर कुछ लोगों को इस मूवी की जो कहानी है वो समझने में दिक्कत हो सकती है या फिर दोबारा इस मूवी को देखना पड़ सकता है। खैर, आप लोग इस मूवी को देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इसकी कहानी समझ ही जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में, क्या स्टोरी है, क्या आपको देखने को मिलता है, इस मूवी का कलेक्शन क्या रहा था, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कहानी की अगर बात करें तो कहानी हमारी भारतीय कथा पुराणों में देवता असुर और शिव से रहस्य शुरू होकर आज के समय की है। रणबीर कपूर बने हैं एक डीजे शिवा, जिन्हें दशहरे के मेले में एक लड़की ईशा यानी कि आलिया भट्ट से पहली बार पहली नज़र वाला फर्स्ट टाइम प्यार हो जाता है, लेकिन प्यार के साथ उन्हें एक सुपर नेचुरल ब्रह्म अनुभव होता है जो उसके बचपन के सपनों के साथ जुड़ा होता है। शिवा की कहानी आगे जुड़ी होती है एक वैज्ञानिक मोहन यानी कि शाहरुख खान और बनारस के पेटर सेठी यानी कि नागार्जुन के साथ, इसी के साथ एंट्री होती है असुरों की जो इन सब की संचालित है वो एक अक्षित। फिर यहाँ पर जो जुनून है वो एक एक करके मोहन और सैटी को मार डालती है। पता चलता है कि सारा खेल ब्रह्मास्त्र को पाने का है जिसकी रक्षा तीन लोग कर रहे होते हैं। मोहन और जुनून का ये खेल शिवा अनुभव करता है जो ईशा के साथ अपने प्यार की शुरुआत करता है। ईशा और शिवा निकल पड़ते मोहन के इस दिव्य अनुभव के तार ढूंढने के लिए और बनारस होते हुए पहुंच जाते हैं ब्रह्म गुरु यानी कि अमिताभ बच्चन के पास, जो शिवा को उनके अंदर की का एहसास दिलाते हैं और अंत में बुराई पर अच्छाई की विजय होती है, वह आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। फिल्म काफ़ी महंगी है जिसे बनाने में एक लंबा अरसा लगा है, लेकिन निर्देशक आयन मुखर्जी ने बड़ी मेहनत से बनाया है। फिल्म का मुख्य आकर्षण है फिल्म के स्पेशल इफेक्ट जो काफ़ी अच्छे हैं। मूवी देखकर लगता है कि किसी भी हॉलीवुड का यहाँ पर मूवी जो है उसे टक्कर दे सकता है ब्रह्मास्त्र। फिल्म की फोटोग्राफी काफ़ी अच्छी है और बनारस और हिमाचल के दृश्यों को खूबसूरती के साथ दिखाया गया है। फिल्म 3D में है इसलिए एक्शन सीन आपको चश्मा लगाकर या फिर IMAX में देखने पड़ सकते हैं। अगर आप इस मूवी को एक बहुत ही बड़ी स्क्रीन पर देखेंगे तो अलग ही आपको आनंद आएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो मूवी है वो इस तरह से बनाई गई है कि बड़े स्क्रीन पर ये मूवी काफ़ी अच्छी लगेंगी। इस मूवी के अंदर जितने भी किरदार हैं सभी कलाकारों ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की हुई है। ये एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है जिसे एक बार देखा जा सकता है। इस मूवी का दूसरा पार्ट भी आएगा जिसकी अनाउंसमेंट बहुत जल्दी ही करा दी जाएंगी, तो आप इस मूवी को दोस्तों एक बार तो ज़रूर देख लीजिएगा। ये मूवी आपको ज़रूर अच्छी लगने वाली है। आने वाले टाइम में अगर इस मूवी का कोई भी प्रीमियर होता है तो मैं आपको बताऊँगा। आप सभी लोग मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में आप सभी को जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस कमाल की मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाके देखेंगे। इसके अलावा ये मूवी आपको कैसे लगते हैं आप मुझे ज़रूर बताइएगा। बॉलीवुड में बनी एक शानदार मूवी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये कौन सी मूवी है, कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, क्या इस मूवी की स्टोरी है, इन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी बेहद ही कमाल की एक मूवी को एंजॉय कर सकें। दोस्तों मूवी काफ़ी बढ़िया बनाई गई है तो इस मूवी को आप लोग एक बार तो ज़रूर देखिएगा।
तो चलिए इस मूवी के बारे में बात करते हैं। ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा, जो कि इस मूवी का पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट भी आपको देखने को मिलेगा। मूवी के बारे में बात करें तो 2022 में इस मूवी को रिलीज़ किया गया था। यह मूवी एक्शन और एडवेंचर के ऊपर बनाई गई है। 2 घंटे 40 मिनट की ये मूवी है जो आपको बोर नहीं कराएंगी। इस मूवी की कहानी काफ़ी बढ़िया है। जो IMDB है वहाँ पर 10 आउट ऑफ 5.6 की रेटिंग इस मूवी को मिली है, और जो रॉटन टमाटोज है वहाँ पर भी 50% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया हुआ है, और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी 72% लोगों ने इस मूवी को लाइक दिया हुआ है। इस मूवी के जो डायरेक्टर थे वो आयन मुखर्जी रहे थे, जिन्हें आप सभी लोग जानते ही होंगे, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है। इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार मूवीज़ बनाई हुई है। तो इनकी अगर आप ये मूवी देखते हैं तो आप इनकी कुछ पुरानी मूवीज़ भी देख सकते हैं जो काफ़ी बढ़िया उन्होंने बनाई है। कहा जाता है कि इस मूवी को बनने में काफ़ी टाइम लगा है। खैर चलिए इस मूवी की जो कहानी है इसके बारे में बात करते हैं, और कहाँ पर कौन से प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं ये मूवी देखनी है तो कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों अगर आप लोग ब्रह्मास्त्र मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर मूवी अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। बाकी ये आपको यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेंगी। इसकी सिंपल वजह है कॉपीराइट इशू, इसके चलते ये मूवी आपको यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेंगी। इस मूवी में आपको शाहरुख खान का कैमियो भी देखने को मिल जाता है, जिनके बारे में हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। इस मूवी के जो मैन कास्ट है उसके अंदर रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन, मौनी रॉय, शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, डिम्पल कपाड़िया, सौरव गुर्जर, मकरंद सोनी, सुदेव नायर, मधुमति कपूर, और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार मूवी में देखने को मिलता है। सभी कलाकारों ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो आपको ज़रूर पसंद आने वाला है। चलिए अब बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी क्या है और इस मूवी में हमें क्या नया देखने को मिलेगा। वैसे इस मूवी की दोस्तों स्टोरी काफ़ी सिंपल है, और आप इस मूवी को देखेंगे तो आप ही के बारे में इस मूवी की जो कहानी है वो भी समझ जाएंगे। पर कुछ लोगों को इस मूवी की जो कहानी है वो समझने में दिक्कत हो सकती है, या फिर दोबारा इस मूवी को देखना पड़ सकता है। खैर आप लोग इस मूवी को देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इसकी कहानी समझ ही जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में, क्या स्टोरी है, क्या आपको देखने को मिलता है, इस मूवी का कलेक्शन क्या रहा था, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कहानी की अगर बात करें तो कहानी हमारी भारतीय कथा पुराणों में देवता असुर और शिव से रहस्य शुरू होकर आज के समय की है। रणबीर कपूर बने हैं एक DJ शिवा, जिन्हें दशहरे के मेले में एक लड़की ईशा यानी कि आलिया भट्ट से पहली बार पहली नज़र वाला फर्स्ट टाइम प्यार हो जाता है, लेकिन प्यार के साथ उन्हें एक सुपर नेचुरल ब्रह्म अनुभव होता है जो उसके बचपन के सपनों के साथ जुड़ा होता है। शिवा की कहानी आगे जुड़ी होती है एक वैज्ञानिक मोहन यानी कि शाहरुख खान और बनारस के पेटर सेठी यानी कि नागार्जुन के साथ, इसी के साथ एंट्री होती है असुरों की जो इन सब की संचालित है वो एक अक्षित। फिर यहाँ पर जो जुनून है वो एक एक करके मोहन और सेठी को मार डालती है। पता चलता है कि सारा खेल ब्रह्मास्त्र को पाने का है जिसकी रक्षा 3 लोग कर रहे होते हैं। मोहन और जुनून का ये खेल शिवा अनुभव करता है जो ईशा के साथ अपने प्यार की शुरुआत करता है। ईशा और शिवा निकल पड़ते मोहन के इस दिव्य अनुभव के तार ढूंढने के लिए, और बनारस होते हुए पहुंच जाते हैं ब्रह्म गुरु यानी कि अमिताभ बच्चन के पास, जो शिवा को उनके अंदर शक्ति का एहसास दिलाते हैं, और अंत में बुराई पर अच्छाई की विजय होती है वे आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। फिल्म काफ़ी महंगी है जिसे बनाने में एक लंबा अरसा लगा है, लेकिन निर्देशक आयन मुखर्जी ने बड़ी मेहनत से बनाया है। फिल्म का मुख्य आकर्षण है फिल्म के स्पेशल इफेक्ट जो काफ़ी अच्छे हैं। मूवी देखकर लगता है कि किसी भी हॉलीवुड का यहाँ पर मूवी जो है उसे टक्कर दे सकता है ब्रह्मास्त्र। फिल्म की फोटोग्राफी काफ़ी अच्छी है और बनारस और हिमाचल के दृश्यों को खूबसूरती के साथ दिखाया गया है। फिल्म 3D में है इसलिए एक्शन सीन आपको चश्मा लगाकर या फिर IMAX में देखने पड़ सकते हैं। अगर आप इस मूवी को एक बहुत ही बड़ी स्क्रीन पर देखेंगे तो अलग ही आपको आनंद आएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो मूवी है वो इस तरह से बनाई गई है कि बड़े स्क्रीन पर ये मूवी काफ़ी अच्छी लगेंगी। इस मूवी के अंदर जितने भी किरदार हैं सभी कलाकारों ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की हुई है। ये एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है जिसे एक बार देखा जा सकता है। इस मूवी का दूसरा पार्ट भी आएगा जिसकी अनाउंसमेंट बहुत जल्दी ही करा दी जाएंगी, तो आप इस मूवी को दोस्तों एक बार तो ज़रूर देख लीजिएगा। ये मूवी
आपको ज़रूर अच्छी लगने वाली है। आने वाले टाइम में अगर इस मूवी का कोई भी प्रीमियर होता है तो मैं आपको बताऊंगा। आप सभी लोग मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में आप सभी को जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस कमाल की मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाके देखेंगे। इसके अलावा ये मूवी आपको कैसे लगते हैं आप मुझे ज़रूर बताइएगा। बॉलीवुड में बनी एक शानदार मूवी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये कौन सी मूवी है, कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, क्या इस मूवी की स्टोरी है, इन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी बेहद ही कमाल की एक मूवी को एंजॉय कर सकें। दोस्तों मूवी काफ़ी बढ़िया बनाई गई है, तो इस मूवी को आप लोग एक बार तो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इस मूवी के बारे में बात करते हैं। ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा, जो कि इस मूवी का पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट भी आपको देखने को मिलेगा। मूवी के बारे में बात करें तो 2022 में इस मूवी को रिलीज़ किया गया था। यह मूवी एक्शन और एडवेंचर के ऊपर बनाई गई है। 2 घंटे 40 मिनट की ये मूवी है जो आपको बोर नहीं कराएंगी। इस मूवी की कहानी काफ़ी बढ़िया है। जो IMDB है वहाँ पर 10 आउट ऑफ 5.6 की रेटिंग इस मूवी को मिली है, और जो रॉटन टमाटोज है वहाँ पर भी 50% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया हुआ है, और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी 72% लोगों ने इस मूवी को लाइक दिया हुआ है। इस मूवी के जो डायरेक्टर थे वो आयन मुखर्जी रहे थे, जिन्हें आप सभी लोग जानते ही होंगे, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है। इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार मूवीज़ बनाई हुई है। तो इनकी अगर आप ये मूवी देखते हैं तो आप इनकी कुछ पुरानी मूवीज़ भी देख सकते हैं जो काफ़ी बढ़िया उन्होंने बनाई है। कहा जाता है कि इस मूवी को बनने में काफ़ी टाइम लगा है। खैर चलिए इस मूवी की जो कहानी है इसके बारे में बात करते हैं, और कहाँ पर कौन से प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं ये मूवी देखनी है तो कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों अगर आप लोग ब्रह्मास्त्र मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर मूवी अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। बाकी ये आपको यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेंगी, इसकी सिंपल वजह है कॉपीराइट इशू, इसके चलते ये मूवी आपको यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेंगी। इस मूवी में आपको शाहरुख खान का कैमियो भी देखने को मिल जाता है, जिनके बारे में हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। इस मूवी के जो मैन कास्ट है उसके अंदर रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन, मौनी रॉय, शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, डिम्पल कपाड़िया, सौरव गुर्जर, मकरंद सोनी, सुदेव नायर, मधुमति कपूर और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार मूवी में देखने को मिलते हैं। सभी कलाकारों ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो आपको ज़रूर पसंद आने वाला है। चलिए अब बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी क्या है और इस मूवी में हमें क्या नया देखने को मिलेगा। वैसे इस मूवी की दोस्तों स्टोरी काफ़ी सिंपल है, और आप इस मूवी को देखेंगे तो आप ही के बारे में इस मूवी की जो कहानी है वो भी समझ जाएंगे। पर कुछ लोगों को इस मूवी की जो कहानी है वो समझने में दिक्कत हो सकती है, या फिर दोबारा इस मूवी को देखना पड़ सकता है। खैर आप लोग इस मूवी को देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इसकी कहानी समझ ही जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में, क्या स्टोरी है, क्या आपको देखने को मिलता है, इस मूवी का कलेक्शन क्या रहा था, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कहानी की अगर बात करें तो कहानी हमारी भारतीय कथा पुराणों में देवता असुर और शिव से रहस्य शुरू होकर आज के समय की है। रणबीर कपूर बने हैं एक DJ शिवा, जिन्हें दशहरे के मेले में एक लड़की ईशा यानी कि आलिया भट्ट से पहली बार पहली नज़र वाला फर्स्ट टाइम प्यार हो जाता है, लेकिन प्यार के साथ उन्हें एक सुपर नेचुरल ब्रह्म अनुभव होता है जो उसके बचपन के सपनों के साथ जुड़ा होता है। शिवा की कहानी आगे जुड़ी होती है एक वैज्ञानिक मोहन यानी कि शाहरुख खान और बनारस के पेटर सेटी यानी कि नागार्जुन के साथ, इसी के साथ एंट्री होती है असुरों की जो इन सब की संचालित है वो एक अक्षित। फिर यहाँ पर जो जुनून है वो एक एक करके मोहन और सेटी को मार डालती है। पता चलता है कि सारा खेल ब्रह्मास्त्र को पाने का है जिसकी रक्षा 3 लोग कर रहे होते हैं। मोहन और जुनून का ये खेल शिवा अनुभव करता है जो ईशा के साथ अपने प्यार की शुरुआत करता है। ईशा और शिवा निकल पड़ते मोहन के इस दिव्य अनुभव के तार ढूंढने के लिए, और बनारस होते हुए पहुंच जाते हैं ब्रह्म गुरु यानी कि अमिताभ बच्चन के पास, जो शिवा को उनके अंदर शक्ति का एहसास दिलाते हैं, और अंत में बुराई पर अच्छाई की विजय होती है, वे आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है।
फिल्म काफ़ी महंगी है जिसे बनाने में एक लंबा अरसा लगा है, लेकिन निर्देशक आयन मुखर्जी ने बड़ी मेहनत से बनाया है। फिल्म का मुख्य आकर्षण है फिल्म के स्पेशल इफेक्ट जो काफ़ी अच्छे हैं। मूवी देखकर लगता है कि किसी भी हॉलीवुड का यहाँ पर मूवी जो है उसे टक्कर दे सकता है ब्रह्मास्त्र। फिल्म की फोटोग्राफी काफ़ी अच्छी है और बनारस और हिमाचल के दृश्यों को खूबसूरती के साथ दिखाया गया है। फिल्म 3D में है इसलिए एक्शन सीन आपको चश्मा लगाकर या फिर IMAX में देखने पड़ सकते हैं। अगर आप इस मूवी को एक बहुत ही बड़ी स्क्रीन पर देखेंगे तो अलग ही आपको आनंद आएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो मूवी है वो इस तरह से बनाई गई है कि बड़े स्क्रीन पर ये मूवी काफ़ी अच्छी लगेंगी। इस मूवी के अंदर जितने भी किरदार हैं सभी कलाकारों ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की हुई है। ये एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है जिसे एक बार देखा जा सकता है। इस मूवी का दूसरा पार्ट भी आएगा जिसकी अनाउंसमेंट बहुत जल्दी ही करा दी जाएंगी, तो आप इस मूवी को दोस्तों एक बार तो ज़रूर देख लीजिएगा। ये मूवी आपको ज़रूर अच्छी लगने वाली है। आने वाले टाइम में अगर इस मूवी का कोई भी प्रीमियर होता है तो मैं आपको बताऊंगा। आप सभी लोग मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में आप सभी को जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस कमाल की मूवी को Disney+ सॉफ्टवेयर पर जाके देखेंगे। इसके अलावा ये मूवी आपको कैसे लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। बॉलीवुड में बनी एक शानदार मूवी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये कौन सी मूवी है, कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, क्या इस मूवी की स्टोरी है, इन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी बेहद ही कमाल की एक मूवी को एंजॉय कर सकें। दोस्तों मूवी काफ़ी बढ़िया बनाई गई है, तो इस मूवी को आप लोग एक बार तो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इस मूवी के बारे में बात करते हैं। ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा, जो कि इस मूवी का पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट भी आपको देखने को मिलेगा। मूवी के बारे में बात करें तो 2022 में इस मूवी को रिलीज़ किया गया था। यह मूवी एक्शन और एडवेंचर के ऊपर बनाई गई है। 2 घंटे 40 मिनट की ये मूवी है जो आपको बोर नहीं कराएंगी। इस मूवी की कहानी काफ़ी बढ़िया है, जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 5.6 रेटिंग इस मूवी को मिली है, और जो रॉटन टमाटो है वहाँ पर भी 50% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया हुआ है, और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी 72% लोगों ने इस मूवी को लाइक दिया हुआ है। इस मूवी के जो डायरेक्टर थे वो आयन मुखर्जी रहे थे, जिन्हें आप सभी लोग जानते ही होंगे, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है। इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार मूवीज़ बनाई हुई है। तो इनकी अगर आप ये मूवी देखते हैं तो आप इनकी कुछ पुरानी मूवीज़ भी देख सकते हैं जो काफ़ी बढ़िया उन्होंने बनाई है। कहा जाता है कि इस मूवी को बनने में काफ़ी टाइम लगा है। खैर चलिए इस मूवी की जो कहानी है इसके बारे में बात करते हैं और कहां पर कौन से प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं ये मूवी देखनी है तो कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों अगर आप लोग ब्रह्मास्त्र मूवी को देखना चाहते हैं तो Disney+ सॉफ्टवेयर पर मूवी अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। बाकी ये आपको YouTube पर नहीं देखने को मिलेंगी, इसकी सिंपल वजह है कॉपीराइट इशू, इसके चलते ये मूवी आपको YouTube पर नहीं देखने को मिलेंगी। इस मूवी में आपको शाहरुख खान का कैमियो भी देखने को मिल जाता है, जिनके बारे में हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। इस मूवी के जो मैन कास्ट है उसके अंदर रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन, मौनी रॉय, शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, डिम्पल कपाड़िया, सौरव गुर्जर, मकरंद सोनी, सुदेव नायर, मधुमति कपूर और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार मूवी में देखने को मिलते हैं। सभी कलाकारों ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो आपको ज़रूर पसंद आने वाला है। चलिए अब बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी क्या है और इस मूवी में हमें क्या नया देखने को मिलेगा। वैसे इस मूवी की दोस्तों स्टोरी काफ़ी सिंपल है और आप इस मूवी को देखेंगे तो आप ही के बारे में इस मूवी की जो कहानी है वो भी समझ जाएंगे, पर कुछ लोगों को इस मूवी की जो कहानी है वो समझने में दिक्कत हो सकती है या फिर दोबारा इस मूवी को देखना पड़ सकता है। खैर आप लोग इस मूवी को देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इसकी कहानी समझ ही जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में, क्या स्टोरी है, क्या आपको देखने को मिलता है, इस मूवी का कलेक्शन क्या रहा था, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कहानी की अगर बात करें तो कहानी हमारी भारतीय कथा पुराणों में देवता असुर और शिव से रहस्य शुरू होकर आज के समय की है। रणबीर कपूर बने हैं एक DJ शिवा, जिन्हें दशहरे के मेले में एक लड़की ईशा यानी कि आलिया भट्ट से पहली बार पहली नज़र वाला फर्स्ट टाइम प्यार हो जाता है, लेकिन प्यार के साथ उन्हें एक सुपर नेचुरल ब्रह्म अनुभव होता है जो उसके बचपन के सपनों के साथ जुड़ा होता है।
शिवा की कहानी आगे जोड़ी होती है। एक वैज्ञानिक मोहन यानी कि शाहरुख खान और बनारस के पेटर सेटी यानी कि नागार्जुन के साथ इसी के साथ एंट्री होती है। असुरों की जो इन सब की संचालित है वो एक अक्षित, फिर यहाँ पर जो जुनून है वो एक एक करके मोहन और सेटी को मार डालती है। पता चलता है कि सारा खेल ब्रह्मास्त्र को पाने का है जिसकी रक्षा तीन लोग कर रहे होते हैं। मोहन और जुनून का ये खेल शिवा अनुभव करता है जो ईशा के साथ अपने प्यार की शुरुआत करता है। ईशा और शिवा निकल पड़ते मोहन के इस दिव्य अनुभव के तार ढूंढने के लिए और बनारस होते हुए पहुंच जाते हैं ब्रह्म गुरु यानी कि अमिताभ बच्चन के पास, जो शिवा को उनके अंदर शक्ति का एहसास दिलाते हैं और अंत में बुराई पर अच्छाई की विजय होती है वे आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। फिल्म काफ़ी महंगी है जिसे बनाने में एक लंबा अरसा लगा है, लेकिन निर्देशक आयन मुखर्जी ने बड़ी मेहनत से बनाया है। फिल्म का मुख्य आकर्षण है फिल्म के स्पेशल इफेक्ट जो काफ़ी अच्छे हैं। मूवी देखकर लगता है कि किसी भी हॉलीवुड का यहाँ पर मूवी जो है उसे टक्कर दे सकता है ब्रह्मास्त्र। फिल्म की फोटोग्राफी काफ़ी अच्छी है और बनारस और हिमाचल के दृश्यों को खूबसूरती के साथ दिखाया गया है। फिल्म 3D में है इसलिए एक्शन सीन आपको चश्मा लगाकर या फिर IMAX में देखने पड़ सकते हैं। अगर आप इस मूवी को एक बहुत ही बड़ी स्क्रीन पर देखेंगे तो अलग ही आपको आनंद आएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो मूवी है वो इस तरह से बनाई गई है कि बड़े स्क्रीन पर ये मूवी काफ़ी अच्छी लगेंगी। इस मूवी के अंदर जितने भी किरदार हैं सभी कलाकारों ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की हुई है। ये एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है जिसे एक बार देखा जा सकता है। इस मूवी का दूसरा पार्ट भी आएगा जिसकी अनाउंसमेंट बहुत जल्दी ही करा दी जाएंगी, तो आप इस मूवी को दोस्तों एक बार तो ज़रूर देख लीजिएगा। ये मूवी आपको ज़रूर अच्छी लगने वाली है। आने वाले टाइम में अगर इस मूवी का कोई भी प्रीमियर होता है तो मैं आपको बताऊँगा। आप सभी लोग मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में आप सभी को जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस कमाल की मूवी को Disney+ सॉफ्टवेयर पर जाके देखेंगे। इसके अलावा ये मूवी आपको कैसे लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। बॉलीवुड में बनी एक शानदार मूवी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये कौन सी मूवी है, कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, क्या इस मूवी की स्टोरी है, इन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी बेहद ही कमाल की एक मूवी को एंजॉय कर सकें। दोस्तों मूवी काफ़ी बढ़िया बनाई गई है, तो इस मूवी को आप लोग एक बार तो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इस मूवी के बारे में बात करते हैं। ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा, जो कि इस मूवी का पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट भी आपको देखने को मिलेगा। मूवी के बारे में बात करें तो 2022 में इस मूवी को रिलीज़ किया गया था। यह मूवी एक्शन और एडवेंचर के ऊपर बनाई गई है। 2 घंटे 40 मिनट की ये मूवी है जो आपको बोर नहीं कराएंगी। इस मूवी की कहानी काफ़ी बढ़िया है, जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 5.6 रेटिंग इस मूवी को मिली है और जो रॉटन टमाटो है वहाँ पर भी 50% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया हुआ है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी 72% लोगों ने इस मूवी को लाइक दिया हुआ है। इस मूवी के जो डायरेक्टर थे वो आयन मुखर्जी रहे थे, जिन्हें आप सभी लोग जानते ही होंगे, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है। इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार मूवीज़ बनाई हुई है। तो इनकी अगर आप ये मूवी देखते हैं तो आप इनकी कुछ पुरानी मूवीज़ भी देख सकते हैं जो काफ़ी बढ़िया उन्होंने बनाई है। कहा जाता है कि इस मूवी को बनने में काफ़ी टाइम लगा है। खैर चलिए इस मूवी की जो कहानी है इसके बारे में बात करते हैं और कहाँ पर कौन से प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं ये मूवी देखनी है तो कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों अगर आप लोग ब्रह्मास्त्र मूवी को देखना चाहते हैं तो Disney+ सॉफ्टवेयर पर मूवी अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। बाकी ये आपको YouTube पर नहीं देखने को मिलेंगी, इसकी सिंपल वजह है कॉपीराइट इशू, इसके चलते ये मूवी आपको YouTube पर नहीं देखने को मिलेंगी। इस मूवी में आपको शाहरुख खान का कैमियो भी देखने को मिल जाता है, जिनके बारे में हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। इस मूवी के जो मैन कास्ट है उसके अंदर रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन, मौनी रॉय, शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, डिम्पल कपाड़िया, सौरव गुर्जर, मकरंद सोनी, सुदेव नायर, मधुमति कपूर और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार मूवी में देखने को मिलते हैं। सभी कलाकारों ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो आपको ज़रूर पसंद आने वाला है। चलिए अब बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी क्या है और इस मूवी में हमें क्या नया देखने को मिलेगा। वैसे इस मूवी की दोस्तों स्टोरी काफ़ी सिंपल है और आप इस मूवी को देखेंगे तो आप ही के बारे में इस मूवी की जो कहानी है वो भी समझ जाएंगे।
पर कुछ लोगों को इस मूवी की जो कहानी है वो समझने में दिक्कत हो सकती है या फिर दोबारा इस मूवी को देखना पड़ सकता है। खैर, आप लोग इस मूवी को देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इसकी कहानी समझ ही जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में, क्या स्टोरी है, क्या आपको देखने को मिलता है, इस मूवी का कलेक्शन क्या रहा था, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कहानी की अगर बात करें तो कहानी हमारी भारतीय कथा पुराणों में देवता असुर और शिव से रहस्य शुरू होकर आज के समय की है। रणबीर कपूर बने हैं एक डीजे शिवा, जिन्हें दशहरे के मेले में एक लड़की ईशा यानी कि आलिया भट्ट से पहली बार पहली नज़र वाला फर्स्ट टाइम प्यार हो जाता है। लेकिन प्यार के साथ उन्हें एक सुपर नेचुरल ब्रह्म अनुभव होता है जो उसके बचपन के सपनों के साथ जुड़ा होता है। शिवा की कहानी आगे जुड़ी होती है एक वैज्ञानिक मोहन यानी कि शाहरुख खान और बनारस के पेटर सेठी यानी कि नागार्जुन के साथ, इसी के साथ एंट्री होती है असुरों की जो इन सब की संचालित है वो एक अक्षित। फिर यहाँ पर जो जुनून है वो एक एक करके मोहन और सेठी को मार डालती है। पता चलता है कि सारा खेल ब्रह्मास्त्र को पाने का है जिसकी रक्षा तीन लोग कर रहे होते हैं। मोहन और जुनून का ये खेल शिवा अनुभव करता है जो ईशा के साथ अपने प्यार की शुरुआत करता है। ईशा और शिवा निकल पड़ते मोहन के इस दिव्य अनुभव के तार ढूंढने के लिए और बनारस होते हुए पहुंच जाते हैं ब्रह्म गुरु यानी कि अमिताभ बच्चन के पास, जो शिवा को उनके अंदर की का एहसास दिलाते हैं और अंत में बुराई पर अच्छाई की विजय होती है। वे आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। फिल्म काफ़ी महंगी है जिसे बनाने में एक लंबा अरसा लगा है, लेकिन निर्देशक आयन मुखर्जी ने बड़ी मेहनत से बनाया है। फिल्म का मुख्य आकर्षण है फिल्म के स्पेशल इफेक्ट जो काफ़ी अच्छे हैं। मूवी देखकर लगता है कि किसी भी हॉलीवुड का यहाँ पर मूवी जो है उसे टक्कर दे सकता है ब्रह्मास्त्र। फिल्म की फोटोग्राफी काफ़ी अच्छी है और बनारस और हिमाचल के दृश्यों को खूबसूरती के साथ दिखाया गया है। फिल्म 3D में है इसलिए एक्शन सीन आपको चश्मा लगाकर या फिर IMAX में देखने पड़ सकते हैं। अगर आप इस मूवी को एक बहुत ही बड़ी स्क्रीन पर देखेंगे तो अलग ही आपको आनंद आएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो मूवी है वो इस तरह से बनाई गई है कि बड़े स्क्रीन पर ये मूवी काफ़ी अच्छी लगेंगी। इस मूवी के अंदर जितने भी किरदार हैं सभी कलाकारों ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की हुई है। ये एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है जिसे एक बार देखा जा सकता है। इस मूवी का दूसरा पार्ट भी आएगा जिसकी अनाउंसमेंट बहुत जल्दी ही करा दी जाएंगी, तो आप इस मूवी को दोस्तों एक बार तो ज़रूर देख लीजिएगा। ये मूवी आपको ज़रूर अच्छी लगने वाली है। आने वाले टाइम में अगर इस मूवी का कोई भी प्रीमियर होता है तो मैं आपको बताऊंगा। आप सभी लोग मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में आप सभी को जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस कमाल की मूवी को Disney+ सॉफ्टवेयर पर जाके देखेंगे। इसके अलावा ये मूवी आपको कैसे लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। बॉलीवुड में बनी एक शानदार मूवी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये कौन सी मूवी है, कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, क्या इस मूवी की स्टोरी है, इन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी बेहद ही कमाल की एक मूवी को एंजॉय कर सकें। दोस्तों मूवी काफ़ी बढ़िया बनाई गई है, तो इस मूवी को आप लोग एक बार तो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इस मूवी के बारे में बात करते हैं। ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा, जो कि इस मूवी का पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट भी आपको देखने को मिलेगा। मूवी के बारे में बात करें तो 2022 में इस मूवी को रिलीज़ किया गया था। यह मूवी एक्शन और एडवेंचर के ऊपर बनाई गई है। 2 घंटे 40 मिनट की ये मूवी है जो आपको बोर नहीं कराएंगी। इस मूवी की कहानी काफ़ी बढ़िया है, जो IMDB है वहाँ पर 10 आउट ऑफ 5.6 की रेटिंग इस मूवी को मिली है और जो रॉटन टमाटो है वहाँ पर भी 50% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया हुआ है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी 72% लोगों ने इस मूवी को लाइक दिया हुआ है। इस मूवी के जो डायरेक्टर थे वो आयन मुखर्जी रहे थे, जिन्हें आप सभी लोग जानते ही होंगे, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है। इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार मूवीज़ बनाई हुई है। तो इनकी अगर आप ये मूवी देखते हैं तो आप इनकी कुछ पुरानी मूवीज़ भी देख सकते हैं जो काफ़ी बढ़िया उन्होंने बनाई है। कहा जाता है कि इस मूवी को बनने में काफ़ी टाइम लगा है। खैर चलिए इस मूवी की जो कहानी है इसके बारे में बात करते हैं और कहाँ पर कौन से प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं ये मूवी देखनी है तो कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों अगर आप लोग ब्रह्मास्त्र मूवी को देखना चाहते हैं तो Disney+ सॉफ्टवेयर पर मूवी अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं।
बाकी ये आपको यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेंगी। इसकी सिंपल वजह है कॉपीराइट इशू, इसके चलते ये मूवी आपको यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेंगी। इस मूवी में आपको शाहरुख खान का कैमियो भी देखने को मिल जाता है, जिनके बारे में हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। इस मूवी के जो मैन कास्ट है उसके अंदर रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन, मौनी रॉय, शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, डिम्पल कपाड़िया, सौरव गुर्जर, मकरंद सोनी, सुदेव नायर, मधुमति कपूर और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार मूवी में देखने को मिलता है। सभी कलाकारों ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो आपको ज़रूर पसंद आने वाला है। चलिए अब बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी क्या है और इस मूवी में हमें क्या नया देखने को मिलेगा। वैसे इस मूवी की दोस्तों स्टोरी काफ़ी सिंपल है और आप इस मूवी को देखेंगे तो आप एक ही बार में इस मूवी की जो कहानी है वो भी समझ जाएंगे, पर कुछ लोगों को इस मूवी की जो कहानी है वो समझने में दिक्कत हो सकती है या फिर दोबारा इस मूवी को देखना पड़ सकता है। खैर आप लोग इस मूवी को देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इसकी कहानी समझ ही जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में, क्या स्टोरी है, क्या आपको देखने को मिलता है, इस मूवी का कलेक्शन क्या रहा था, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कहानी की अगर बात करें तो कहानी हमारी भारतीय कथा पुराणों में देवता असुर और शिव से रहस्य शुरू होकर आज के समय की है। रणबीर कपूर बने हैं एक डीजे शिवा, जिन्हें दशहरे के मेले में एक लड़की ईशा यानी कि आलिया भट्ट से पहली बार पहली नज़र वाला फर्स्ट टाइम प्यार हो जाता है, लेकिन प्यार के साथ उन्हें एक सुपर नेचुरल ब्रह्म अनुभव होता है जो उसके बचपन के सपनों के साथ जुड़ा होता है। शिवा की कहानी आगे जुड़ी होती है एक वैज्ञानिक मोहन यानी कि शाहरुख खान और बनारस के पेटर सेठी यानी कि नागार्जुन के साथ, इसी के साथ एंट्री होती है असुरों की जो इन सब की संचालित है वो एक अक्षित। फिर यहाँ पर जो जुनून है वो एक एक करके मोहन और सेठी को मार डालती है। पता चलता है कि सारा खेल ब्रह्मास्त्र को पाने का है जिसकी रक्षा तीन लोग कर रहे होते हैं। मोहन और जुनून का ये खेल शिवा अनुभव करता है जो ईशा के साथ अपने प्यार की शुरुआत करता है। ईशा और शिवा निकल पड़ते मोहन के इस दिव्य अनुभव के तार ढूंढने के लिए और बनारस होते हुए पहुंच जाते हैं ब्रह्म गुरु यानी कि अमिताभ बच्चन के पास, जो शिवा को उनके अंदर की का एहसास दिलाते हैं और अंत में बुराई पर अच्छाई की विजय होती है। वे आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। फिल्म काफ़ी महंगी है जिसे बनाने में एक लंबा अरसा लगा है, लेकिन निर्देशक आयन मुखर्जी ने बड़ी मेहनत से बनाया है। फिल्म का मुख्य आकर्षण है फिल्म के स्पेशल इफेक्ट जो काफ़ी अच्छे हैं। मूवी देखकर लगता है कि किसी भी हॉलीवुड का यहाँ पर मूवी जो है उसे टक्कर दे सकता है ब्रह्मास्त्र। फिल्म की फोटोग्राफी काफ़ी अच्छी है और बनारस और हिमाचल के दृश्यों को खूबसूरती के साथ दिखाया गया है। फिल्म 3D में है इसलिए एक्शन सीन आपको चश्मा लगाकर या फिर IMAX में देखने पड़ सकते हैं। अगर आप इस मूवी को एक बहुत ही बड़ी स्क्रीन पर देखेंगे तो अलग ही आपको आनंद आएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो मूवी है वो इस तरह से बनाई गई है कि बड़े स्क्रीन पर ये मूवी काफ़ी अच्छी लगेंगी। इस मूवी के अंदर जितने भी किरदार हैं सभी कलाकारों ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की हुई है। ये एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है जिसे एक बार देखा जा सकता है। इस मूवी का दूसरा पार्ट भी आएगा जिसकी अनाउंसमेंट बहुत जल्दी ही करा दी जाएंगी, तो आप इस मूवी को दोस्तों एक बार तो ज़रूर देख लीजिएगा। ये मूवी आपको ज़रूर अच्छी लगने वाली है। आने वाले टाइम में अगर इस मूवी का कोई भी प्रीमियर होता है तो मैं आपको बताऊंगा। आप सभी लोग मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में आप सभी को जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस कमाल की मूवी को Disney+ सॉफ्टवेयर पर जाके देखेंगे। इसके अलावा ये मूवी आपको कैसे लगते हैं आप मुझे ज़रूर बताइएगा। बॉलीवुड में बनी एक शानदार मूवी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये कौन सी मूवी है, कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, क्या इस मूवी की स्टोरी है, इन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी बेहद ही कमाल की एक मूवी को एंजॉय कर सकें। दोस्तों मूवी काफ़ी बढ़िया बनाई गई है, तो इस मूवी को आप लोग एक बार तो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इस मूवी के बारे में बात करते हैं। ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा, जो कि इस मूवी का पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट भी आपको देखने को मिलेगा। मूवी के बारे में बात करें तो 2022 में इस मूवी को रिलीज़ किया गया था। यह मूवी एक्शन और एडवेंचर के ऊपर बनाई गई है। 2 घंटे 40 मिनट की ये मूवी है जो आपको बोर नहीं कराएंगी। इस मूवी की कहानी काफ़ी बढ़िया है, जो IMDB है वहाँ पर 10 आउट ऑफ 5.6 की रेटिंग इस मूवी को मिली है
और जो रॉटन टमाटो से वहाँ पर भी 50% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया हुआ है, और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी 72% लोगों ने इस मूवी को लाइक दिया हुआ है। इस मूवी के जो डायरेक्टर थे वो आयन मुखर्जी रहे थे, जिन्हें आप सभी लोग जानते ही होंगे, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है। इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार मूवीज़ बनाई हुई है। तो इनकी अगर आप ये मूवी देखते हैं तो आप इनकी कुछ पुरानी मूवीज़ भी देख सकते हैं जो काफ़ी बढ़िया उन्होंने बनाई है। कहा जाता है कि इस मूवी को बनने में काफ़ी टाइम लगा है। खैर चलिए, इस मूवी की जो कहानी है इसके बारे में बात करते हैं और कहां पर कौन से प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं ये मूवी देखनी है तो कहां पर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, अगर आप लोग ब्रह्मास्त्र मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर मूवी अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। बाकी ये आपको यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेंगी, इसकी सिंपल वजह है कॉपीराइट इशू, इसके चलते ये मूवी आपको यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेंगी। इस मूवी में आपको शाहरुख खान का कैमियो भी देखने को मिल जाता है, जिनके बारे में हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। इस मूवी के जो मैन कास्ट है उसके अंदर रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन, मौनी रॉय, शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, डिम्पल कपाड़िया, सौरव गुर्जर, मकरंद सोनी, सुदेव नायर, मधुमति कपूर और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार मूवी में देखने को मिलते हैं। सभी कलाकारों ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो आपको ज़रूर पसंद आने वाला है। चलिए अब बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी क्या है और इस मूवी में हमें क्या नया देखने को मिलेगा। वैसे इस मूवी की दोस्तों स्टोरी काफ़ी सिंपल है और आप इस मूवी को देखेंगे तो आप ही के बारे में इस मूवी की जो कहानी है वो भी समझ जाएंगे, पर कुछ लोगों को इस मूवी की जो कहानी है वो समझने में दिक्कत हो सकती है या फिर दोबारा इस मूवी को देखना पड़ सकता है। खैर, आप लोग इस मूवी को देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इसकी कहानी समझ ही जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में, क्या स्टोरी है, क्या आपको देखने को मिलता है, इस मूवी का कलेक्शन क्या रहा था, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कहानी की अगर बात करें तो कहानी हमारी भारतीय कथा पुराणों में देवता असुर और शिव से रहस्य शुरू होकर आज के समय की है। रणबीर कपूर बने हैं एक डीजे शिवा, जिन्हें दशहरे के मेले में एक लड़की ईशा यानी कि आलिया भट्ट से पहली बार पहली नज़र वाला फर्स्ट टाइम प्यार हो जाता है, लेकिन प्यार के साथ उन्हें एक सुपर नेचुरल ब्रह्म अनुभव होता है जो उसके बचपन के सपनों के साथ जुड़ा होता है। शिवा की कहानी आगे जुड़ी होती है एक वैज्ञानिक मोहन यानी कि शाहरुख खान और बनारस के पेटर सेटी यानी कि नागार्जुन के साथ, इसी के साथ एंट्री होती है असुरों की जो इन सब की संचालित है वो एक अक्षित। फिर यहाँ पर जो जुनून है वो एक एक करके मोहन और सेटी को मार डालती है। पता चलता है कि सारा खेल ब्रह्मास्त्र को पाने का है जिसकी रक्षा तीन लोग कर रहे होते हैं। मोहन और जुनून का ये खेल शिवा अनुभव करता है जो ईशा के साथ अपने प्यार की शुरुआत करता है। ईशा और शिवा निकल पड़ते मोहन के इस दिव्य अनुभव के तार ढूंढने के लिए और बनारस होते हुए पहुंच जाते हैं ब्रह्म गुरु यानी कि अमिताभ बच्चन के पास, जो शिवा को उनके अंदर शक्ति का एहसास दिलाते हैं और अंत में बुराई पर अच्छाई की विजय होती है, वे आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। फिल्म काफ़ी महंगी है जिसे बनाने में एक लंबा अरसा लगा है, लेकिन निर्देशक आयन मुखर्जी ने बड़ी मेहनत से बनाया है। फिल्म का मुख्य आकर्षण है फिल्म के स्पेशल इफेक्ट जो काफ़ी अच्छे हैं। मूवी देखकर लगता है कि किसी भी हॉलीवुड का यहाँ पर मूवी जो है उसे टक्कर दे सकता है ब्रह्मास्त्र। फिल्म की फोटोग्राफी काफ़ी अच्छी है और बनारस और हिमाचल के दृश्यों को खूबसूरती के साथ दिखाया गया है। फिल्म 3D में है इसलिए एक्शन सीन आपको चश्मा लगाकर या फिर IMAX में देखने पड़ सकते हैं। अगर आप इस मूवी को एक बहुत ही बड़ी स्क्रीन पर देखेंगे तो अलग ही आपको आनंद आएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो मूवी है वो इस तरह से बनाई गई है कि बड़े स्क्रीन पर ये मूवी काफ़ी अच्छी लगेंगी। इस मूवी के अंदर जितने भी किरदार हैं सभी कलाकारों ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की हुई है। ये एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है जिसे एक बार देखा जा सकता है। इस मूवी का दूसरा पार्ट भी आएगा जिसकी अनाउंसमेंट बहुत जल्दी ही करा दी जाएंगी, तो आप इस मूवी को दोस्तों एक बार तो ज़रूर देख लीजिएगा। ये मूवी आपको ज़रूर अच्छी लगने वाली है। आने वाले टाइम में अगर इस मूवी का कोई भी प्रीमियर होता है तो मैं आपको बताऊँगा। आप सभी लोग मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में आप सभी को जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस कमाल की मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाके देखेंगे। इसके अलावा ये मूवी आपको कैसे लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। बॉलीवुड में बनी एक शानदार मूवी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं,
तो ये कौन सी मूवी है, कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, क्या इस मूवी की स्टोरी है, इन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी बेहद ही कमाल की एक मूवी को एंजॉय कर सकें। दोस्तों, मूवी काफ़ी बढ़िया बनाई गई है, तो इस मूवी को आप लोग एक बार तो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इस मूवी के बारे में बात करते हैं। ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा, जो कि इस मूवी का पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट भी आपको देखने को मिलेगा। मूवी के बारे में बात करें तो 2022 में इस मूवी को रिलीज़ किया गया था। यह मूवी एक्शन और एडवेंचर के ऊपर बनाई गई है। 2 घंटे 40 मिनट की ये मूवी है जो आपको बोर नहीं कराएंगी। इस मूवी की कहानी काफ़ी बढ़िया है। जो IMDB है वहाँ पर 10 आउट ऑफ 5.6 की रेटिंग इस मूवी को मिली है और जो रॉटन टमाटोज है वहाँ पर भी 50% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया हुआ है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी 72% लोगों ने इस मूवी को लाइक दिया हुआ है। इस मूवी के जो डायरेक्टर थे वो आयन मुखर्जी रहे थे, जिन्हें आप सभी लोग जानते ही होंगे, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है। इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार मूवीज़ बनाई हुई है। तो इनकी अगर आप ये मूवी देखते हैं तो आप इनकी कुछ पुरानी मूवीज भी देख सकते हैं जो काफ़ी बढ़िया उन्होंने बनाई है। कहा जाता है कि इस मूवी को बनने में काफ़ी टाइम लगा है। खैर, चलिए इस मूवी की जो कहानी है इसके बारे में बात करते हैं और कहाँ पर कौन से प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं ये मूवी देखनी है तो कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, अगर आप लोग ब्रह्मास्त्र मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर मूवी अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। बाकी ये आपको यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेंगी, इसकी सिंपल वजह है कॉपीराइट इशू, इसके चलते ये मूवी आपको यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेंगी। इस मूवी में आपको शाहरुख खान का कैमियो भी देखने को मिल जाता है, जिनके बारे में हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। इस मूवी के जो मैन कास्ट है उसके अंदर रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन, मौनी रॉय, शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, डिम्पल कपाड़िया, सौरव गुर्जर, मकरंद सोनी, सुदेव नायर, मधुमति कपूर और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार मूवी में देखने को मिलता है। सभी कलाकारों ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो आपको ज़रूर पसंद आने वाला है। चलिए अब बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी क्या है और इस मूवी में हमें क्या नया देखने को मिलेगा। वैसे इस मूवी की दोस्तों स्टोरी काफ़ी सिंपल है और आप इस मूवी को देखेंगे तो आप ही के बारे में इस मूवी की जो कहानी है वो भी समझ जाएंगे, पर कुछ लोगों को इस मूवी की जो कहानी है वो समझने में दिक्कत हो सकती है या फिर दोबारा इस मूवी को देखना पड़ सकता है। खैर, आप लोग इस मूवी को देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इसकी कहानी समझ ही जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में, क्या स्टोरी है, क्या आपको देखने को मिलता है, इस मूवी का कलेक्शन क्या रहा था, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कहानी की अगर बात करें तो कहानी हमारी भारतीय कथा पुराणों में देवता असुर और शिव से रहस्य शुरू होकर आज के समय की है। रणबीर कपूर बने हैं एक DJ शिवा, जिन्हें दशहरे के मेले में एक लड़की ईशा यानी कि आलिया भट्ट से पहली नज़र वाला फर्स्ट टाइम प्यार हो जाता है, लेकिन प्यार के साथ उन्हें एक सुपर नेचुरल ब्रह्म अनुभव होता है जो उसके बचपन के सपनों के साथ जुड़ा होता है। शिवा की कहानी आगे जुड़ी होती है एक वैज्ञानिक मोहन यानी कि शाहरुख खान और बनारस के पेटर सेठी यानी कि नागार्जुन के साथ, इसी के साथ एंट्री होती है असुरों की जो इन सब की संचालित है वो एक अक्षित। फिर यहाँ पर जो जुनून है वो एक एक करके मोहन और सेठी को मार डालती है। पता चलता है कि सारा खेल ब्रह्मास्त्र को पाने का है जिसकी रक्षा 3 लोग कर रहे होते हैं। मोहन और जुनून का ये खेल शिवा अनुभव करता है जो ईशा के साथ अपने प्यार की शुरुआत करता है। ईशा और शिवा निकल पड़ते मोहन के इस दिव्य अनुभव के तार ढूंढने के लिए और बनारस होते हुए पहुंच जाते हैं ब्रह्म गुरु यानी कि अमिताभ बच्चन के पास, जो शिवा को उनके अंदर शक्ति का एहसास दिलाते हैं और अंत में बुराई पर अच्छाई की विजय होती है। वे आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। फिल्म काफ़ी महंगी है जिसे बनाने में एक लंबा अरसा लगा है, लेकिन निर्देशक आयन मुखर्जी ने बड़ी मेहनत से बनाया है। फिल्म का मुख्य आकर्षण है फिल्म के स्पेशल इफेक्ट जो काफ़ी अच्छे हैं। मूवी देखकर लगता है कि किसी भी हॉलीवुड का यहाँ पर मूवी जो है उसे टक्कर दे सकता है ब्रह्मास्त्र। फिल्म की फोटोग्राफी काफ़ी अच्छी है और बनारस और हिमाचल के दृश्यों को खूबसूरती के साथ दिखाया गया है।
फिल्म 3D में है इसलिए एक्शन सीन आपको चश्मा लगाकर या फिर आईमैक्स में देखने पड़ सकते हैं। अगर आप इस मूवी को एक बहुत ही बड़ी स्क्रीन पर देखेंगे तो अलग ही आपको आनंद आएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो मूवी है वो इस तरह से बनाई गई है कि बड़े स्क्रीन पर ये मूवी काफ़ी अच्छी लगेंगी। इस मूवी के अंदर जितने भी किरदार हैं सभी कलाकारों ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की हुई है। ये एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है जिसे एक बार देखा जा सकता है। इस मूवी का दूसरा पार्ट भी आएगा जिसकी अनाउंसमेंट बहुत जल्दी ही करा दी जाएंगी, तो आप इस मूवी को दोस्तों एक बार तो ज़रूर देख लीजिएगा। ये मूवी आपको ज़रूर अच्छी लगने वाली है। आने वाले टाइम में अगर इस मूवी का कोई भी प्रीमियर होता है तो मैं आपको बताऊंगा। आप सभी लोग मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में आप सभी को जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस कमाल की मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाके देखेंगे। इसके अलावा ये मूवी आपको कैसे लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। बॉलीवुड में बनी एक शानदार मूवी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये कौन सी मूवी है, कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, क्या इस मूवी की स्टोरी है, इन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी बेहद ही कमाल की एक मूवी को एंजॉय कर सकें। दोस्तों मूवी काफ़ी बढ़िया बनाई गई है, तो इस मूवी को आप लोग एक बार तो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इस मूवी के बारे में बात करते हैं। ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा, जो कि इस मूवी का पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट भी आपको देखने को मिलेगा। मूवी के बारे में बात करें तो 2022 में इस मूवी को रिलीज़ किया गया था। यह मूवी एक्शन और एडवेंचर के ऊपर बनाई गई है। 2 घंटे 40 मिनट की ये मूवी है जो आपको बोर नहीं कराएंगी। इस मूवी की कहानी काफ़ी बढ़िया है। जो IMDB है वहाँ पर 10 आउट ऑफ 5.6 की रेटिंग इस मूवी को मिली है, और जो रॉटन टमाटोज है वहाँ पर भी 50% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया हुआ है, और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी 72% लोगों ने इस मूवी को लाइक दिया हुआ है। इस मूवी के जो डायरेक्टर थे वो आयन मुखर्जी रहे थे, जिन्हें आप सभी लोग जानते ही होंगे, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है। इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार मूवीज़ बनाई हुई है। तो इनकी अगर आप ये मूवी देखते हैं तो आप इनकी कुछ पुरानी मूवीज भी देख सकते हैं जो काफ़ी बढ़िया उन्होंने बनाई है। कहा जाता है कि इस मूवी को बनने में काफ़ी टाइम लगा है। खैर चलिए इस मूवी की जो कहानी है इसके बारे में बात करते हैं, और कहां पर कौन से प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं ये मूवी देखनी है तो कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों अगर आप लोग ब्रह्मास्त्र मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर मूवी अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। बाकी ये आपको YouTube पर नहीं देखने को मिलेंगी, इसकी सिंपल वजह है कॉपीराइट इशू, इसके चलते ये मूवी आपको YouTube पर नहीं देखने को मिलेंगी। इस मूवी में आपको शाहरुख खान का कैमियो भी देखने को मिल जाता है, जिनके बारे में हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। इस मूवी के जो मैन कास्ट है उसके अंदर रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन, मौनी रॉय, शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, डिम्पल कपाड़िया, सौरव गुर्जर, मकरंद सोनी, सुदेव नायर, मधुमति कपूर और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार मूवी में देखने को मिलता है। सभी कलाकारों ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो आपको ज़रूर पसंद आने वाला है। चलिए अब बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी क्या है और इस मूवी में हमें क्या नया देखने को मिलेगा। वैसे इस मूवी की दोस्तों स्टोरी काफ़ी सिंपल है, और आप इस मूवी को देखेंगे तो अभी के बारे में इस मूवी की जो कहानी है वो भी समझ जाएंगे, पर कुछ लोगों को इस मूवी की जो कहानी है वो समझने में दिक्कत हो सकती है या फिर दोबारा इस मूवी को देखना पड़ सकता है। खैर आप लोग इस मूवी को देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इसकी कहानी समझ ही जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में, क्या स्टोरी है, क्या आपको देखने को मिलता है, इस मूवी का कलेक्शन क्या रहा था, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कहानी की अगर बात करें तो कहानी हमारी भारतीय कथा पुराणों में देवता असुर और शिव से रहस्य शुरू होकर आज के समय की है। रणबीर कपूर बने हैं एक DJ शिवा, जिन्हें दशहरे के मेले में एक लड़की ईशा यानी कि आलिया भट्ट से पहली बार पहली नज़र वाला फर्स्ट टाइम प्यार हो जाता है, लेकिन प्यार के साथ उन्हें एक सुपर नेचुरल ब्रह्म अनुभव होता है जो उसके बचपन के सपनों के साथ जुड़ा होता है। शिवा की कहानी आगे जुड़ी होती है एक वैज्ञानिक मोहन यानी कि शाहरुख खान और बनारस के पेटर सेटी यानी कि नागार्जुन के साथ, इसी के साथ एंट्री होती है। असुरों की जो इन सब की संचालित है वो एक अक्षित, फिर यहाँ पर जो जुनून है वो एक एक करके मोहन और सैटे को मार डालती है। पता चलता है कि सारा खेल ब्रह्मास्त्र को
पाने का है, जिसकी रक्षा तीन लोग कर रहे होते हैं। मोहन और जुनून का यह खेल शिवा अनुभव करता है, जो ईशा के साथ अपने प्यार की शुरुआत करता है। ईशा और शिवा निकल पड़ते मोहन के इस दिव्य अनुभव के तार ढूंढने के लिए और बनारस होते हुए पहुंच जाते हैं ब्रह्म गुरु यानी कि अमिताभ बच्चन के पास, जो शिवा को उनके अंदर की का एहसास दिलाते हैं और अंत में बुराई पर अच्छाई की विजय होती है, वह आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। फिल्म काफ़ी महंगी है, जिसे बनाने में एक लंबा अरसा लगा है, लेकिन निर्देशक आयन मुखर्जी ने बड़ी मेहनत से बनाया है। फिल्म का मुख्य आकर्षण है फिल्म के स्पेशल इफेक्ट, जो काफ़ी अच्छे हैं। मूवी देखकर लगता है कि किसी भी हॉलीवुड का यहाँ पर मूवी जो है उसे टक्कर दे सकता है ब्रह्मास्त्र। फिल्म की फोटोग्राफी काफ़ी अच्छी है और बनारस और हिमाचल के दृश्यों को खूबसूरती के साथ दिखाया गया है। फिल्म 3D में है, इसलिए एक्शन सीन आपको चश्मा लगाकर या फिर IMAX में देखने पड़ सकते हैं। अगर आप इस मूवी को एक बहुत ही बड़ी स्क्रीन पर देखेंगे तो अलग ही आपको आनंद आएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो मूवी है वो इस तरह से बनाई गई है कि बड़े स्क्रीन पर ये मूवी काफ़ी अच्छी लगेंगी। इस मूवी के अंदर जितने भी किरदार हैं सभी कलाकारों ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की हुई है। ये एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है, जिसे एक बार देखा जा सकता है। इस मूवी का दूसरा पार्ट भी आएगा, जिसकी अनाउंसमेंट बहुत जल्दी ही करा दी जाएंगी। तो आप इस मूवी को दोस्तों एक बार तो ज़रूर देख लीजिएगा, ये मूवी आपको ज़रूर अच्छी लगने वाली है। आने वाले टाइम में अगर इस मूवी का कोई भी प्रीमियर होता है तो मैं आपको बताऊंगा। आप सभी लोग मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में आप सभी को जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस कमाल की मूवी को डिज्नी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाके देखेंगे। इसके अलावा ये मूवी आपको कैसे लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। बॉलीवुड में बनी एक शानदार मूवी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये कौन सी मूवी है, कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, क्या इस मूवी की स्टोरी है, इन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी बेहद ही कमाल की एक मूवी को एंजॉय कर सकें। दोस्तों मूवी काफ़ी बढ़िया बनाई गई है, तो इस मूवी को आप लोग एक बार तो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इस मूवी के बारे में बात करते हैं। ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा, जो कि इस मूवी का पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट भी आपको देखने को मिलेगा। मूवी के बारे में बात करें तो 2022 में इस मूवी को रिलीज़ किया गया था। यह मूवी एक्शन और एडवेंचर के ऊपर बनाई गई है। 2 घंटे 40 मिनट की ये मूवी है, जो आपको बोर नहीं कराएंगी। इस मूवी की कहानी काफ़ी बढ़िया है, जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 5.6 की रेटिंग इस मूवी को मिली है, और जो रॉटन टमाटोज है वहाँ पर भी 50% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया हुआ है, और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी 72% लोगों ने इस मूवी को लाइक दिया हुआ है। इस मूवी के जो डायरेक्टर थे वो आयन मुखर्जी रहे थे, जिन्हें आप सभी लोग जानते ही होंगे, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है। इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार मूवीज़ बनाई हुई है। तो इनकी अगर आप ये मूवी देखते हैं तो आप इनकी कुछ पुरानी मूवीज भी देख सकते हैं, जो काफ़ी बढ़िया उन्होंने बनाई है। कहा जाता है कि इस मूवी को बनने में काफ़ी टाइम लगा है। खैर चलिए इस मूवी की जो कहानी है इसके बारे में बात करते हैं, और कहां पर कौन से प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं ये मूवी देखनी है तो कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों अगर आप लोग ब्रह्मास्त्र मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस सॉफ्टवेयर पर मूवी अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। बाकी ये आपको YouTube पर नहीं देखने को मिलेंगी, इसकी सिंपल वजह है कॉपीराइट इशू, इसके चलते ये मूवी आपको YouTube पर नहीं देखने को मिलेंगी। इस मूवी में आपको शाहरुख खान का कैमियो भी देखने को मिल जाता है, जिनके बारे में हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। इस मूवी के जो मैन कास्ट है उसके अंदर रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन, मौनी रॉय, शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, डिम्पल कपाड़िया, सौरव गुर्जर, मकरंद सोनी, सुदेव नायर, मधुमती कपूर और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार मूवी में देखने को मिलता है। सभी कलाकारों ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है, जो आपको ज़रूर पसंद आने वाला है। चलिए अब बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी क्या है और इस मूवी में हमें क्या नया देखने को मिलेगा। वैसे इस मूवी की दोस्तों स्टोरी काफ़ी सिंपल है, और आप इस मूवी को देखेंगे तो अभी के बारे में इस मूवी की जो कहानी है वो भी समझ जाएंगे, पर कुछ लोगों को इस मूवी की जो कहानी है वो समझने में दिक्कत हो सकती है, या फिर दोबारा इस मूवी को देखना पड़ सकता है। खैर आप लोग इस मूवी को देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इसकी कहानी समझ ही जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में, क्या स्टोरी है, क्या आपको देखने को मिलता है, इस मूवी का कलेक्शन क्या रहा था, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा
कर लेते हैं। कहानी की अगर बात करें तो कहानी हमारी भारतीय कथा पुराणों में देवता असुर और शिव से रहस्य शुरू होकर आज के समय की है। रणबीर कपूर बने हैं एक डीजे शिवा, जिन्हें दशहरे के मेले में एक लड़की ईशा यानी कि आलिया भट्ट से पहली बार पहली नज़र वाला फर्स्ट टाइम प्यार हो जाता है, लेकिन प्यार के साथ उन्हें एक सुपर नेचुरल ब्रह्म अनुभव होता है जो उसके बचपन के सपनों के साथ जुड़ा होता है। शिवा की कहानी आगे जुड़ी होती है एक वैज्ञानिक मोहन यानी कि शाहरुख खान और बनारस के पेटर सेटी यानी कि नागार्जुन के साथ, इसी के साथ एंट्री होती है। असुरों की जो इन सब की संचालित है वो एक अक्षित, फिर यहाँ पर जो जुनून है वो एक एक करके मोहन और सेटी को मार डालती है। पता चलता है कि सारा खेल ब्रह्मास्त्र को पाने का है जिसकी रक्षा तीन लोग कर रहे होते हैं। मोहन और जुनून का ये खेल शिवा अनुभव करता है जो ईशा के साथ अपने प्यार की शुरुआत करता है। ईशा और शिवा निकल पड़ते मोहन के इस दिव्य अनुभव के तार ढूंढने के लिए और बनारस होते हुए पहुंच जाते हैं ब्रह्म गुरु यानी कि अमिताभ बच्चन के पास, जो शिवा को उनके अंदर की का एहसास दिलाते हैं और अंत में बुराई पर अच्छाई की विजय होती है वे आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। फिल्म काफ़ी महंगी है जिसे बनाने में एक लंबा अरसा लगा है, लेकिन निर्देशक आयन मुखर्जी ने बड़ी मेहनत से बनाया है। फिल्म का मुख्य आकर्षण है फिल्म के स्पेशल इफेक्ट जो काफ़ी अच्छे हैं। मूवी देखकर लगता है कि किसी भी हॉलीवुड का यहाँ पर मूवी जो है उसे टक्कर दे सकता है ब्रह्मास्त्र। फिल्म की फोटोग्राफी काफ़ी अच्छी है और बनारस और हिमाचल के दृश्यों को खूबसूरती के साथ दिखाया गया है। फिल्म 3D में है इसलिए एक्शन सीन आपको चश्मा लगाकर या फिर IMAX में देखने पड़ सकते हैं। अगर आप इस मूवी को एक बहुत ही बड़ी स्क्रीन पर देखेंगे तो अलग ही आपको आनंद आएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो मूवी है वो इस तरह से बनाई गई है कि बड़े स्क्रीन पर ये मूवी काफ़ी अच्छी लगेंगी। इस मूवी के अंदर जितने भी किरदार हैं सभी कलाकारों ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की हुई है। ये एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है जिसे एक बार देखा जा सकता है। इस मूवी का दूसरा पार्ट भी आएगा जिसकी अनाउंसमेंट बहुत जल्दी ही करा दी जाएंगी, तो आप इस मूवी को दोस्तों एक बार तो ज़रूर देख लीजिएगा। ये मूवी आपको ज़रूर अच्छी लगने वाली है। आने वाले टाइम में अगर इस मूवी का कोई भी प्रीमियर होता है तो मैं आपको बताऊँगा। आप सभी लोग मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में आप सभी को जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस कमाल की मूवी को डिज्नी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाके देखेंगे। इसके अलावा ये मूवी आपको कैसे लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। बॉलीवुड में बनी एक शानदार मूवी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये कौन सी मूवी है, कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, क्या इस मूवी की स्टोरी है, इन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी बेहद ही कमाल की एक मूवी को एंजॉय कर सकें। दोस्तों मूवी काफ़ी बढ़िया बनाई गई है, तो इस मूवी को आप लोग एक बार तो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इस मूवी के बारे में बात करते हैं। ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा, जो कि इस मूवी का पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट भी आपको देखने को मिलेगा। मूवी के बारे में बात करें तो 2022 में इस मूवी को रिलीज़ किया गया था। यह मूवी एक्शन और एडवेंचर के ऊपर बनाई गई है। 2 घंटे 40 मिनट की ये मूवी है जो आपको बोर नहीं कराएंगी। इस मूवी की कहानी काफ़ी बढ़िया है, जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 5.6 की रेटिंग इस मूवी को मिली है और जो रॉटन टमाटोज है वहाँ पर भी 50% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया हुआ है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी 72% लोगों ने इस मूवी को लाइक दिया हुआ है। इस मूवी के जो डायरेक्टर थे वो आयन मुखर्जी रहे थे, जिन्हें आप सभी लोग जानते ही होंगे, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है। इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार मूवीज़ बनाई हुई है। तो इनकी अगर आप ये मूवी देखते हैं तो आप इनकी कुछ पुरानी मूवीज भी देख सकते हैं जो काफ़ी बढ़िया उन्होंने बनाई है। कहा जाता है कि इस मूवी को बनने में काफ़ी टाइम लगा है। खैर चलिए इस मूवी की जो कहानी है इसके बारे में बात करते हैं और कहां पर कौन से प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं ये मूवी देखनी है तो कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों अगर आप लोग ब्रह्मास्त्र मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस सॉफ्टवेयर पर मूवी अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। बाकी ये आपको YouTube पर नहीं देखने को मिलेंगी, इसकी सिंपल वजह है कॉपीराइट इशू, इसके चलते ये मूवी आपको YouTube पर नहीं देखने को मिलेंगी। इस मूवी में आपको शाहरुख खान का कैमियो भी देखने को मिल जाता है, जिनके बारे में हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। इस मूवी के जो मैन कास्ट है उसके अंदर रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन, मौनी रॉय, शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण,
डिंपल कपाड़िया, सौरव गुर्जर, मकरंद सोनी, सुदेव नायर, मधुमति कपूर और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार मूवी में देखने को मिलता है। सभी कलाकारों ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो आपको ज़रूर पसंद आने वाला है। चलिए अब बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी क्या है और इस मूवी में हमें क्या नया देखने को मिलेगा। वैसे इस मूवी की दोस्तों स्टोरी काफ़ी सिंपल है और आप इस मूवी को देखेंगे तो आप ही के बारे में इस मूवी की जो कहानी है वो भी समझ जाएंगे, पर कुछ लोगों को इस मूवी की जो कहानी है वो समझने में दिक्कत हो सकती है या फिर दोबारा इस मूवी को देखना पड़ सकता है। खैर आप लोग इस मूवी को देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इसकी कहानी समझ ही जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में, क्या स्टोरी है, क्या आपको देखने को मिलता है, इस मूवी का कलेक्शन क्या रहा था, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कहानी की अगर बात करें तो कहानी हमारी भारतीय कथा पुराणों में देवता असुर और शिव से रहस्य शुरू होकर आज के समय की है। रणबीर कपूर बने हैं एक डीजे शिवा, जिन्हें दशहरे के मेले में एक लड़की ईशा यानी कि आलिया भट्ट से पहली बार पहली नज़र वाला फर्स्ट टाइम प्यार हो जाता है, लेकिन प्यार के साथ उन्हें एक सुपर नेचुरल ब्रह्म अनुभव होता है जो उसके बचपन के सपनों के साथ जुड़ा होता है। शिवा की कहानी आगे जुड़ी होती है एक वैज्ञानिक मोहन यानी कि शाहरुख खान और बनारस के पेटर सेठी यानी कि नागार्जुन के साथ, इसी के साथ एंट्री होती है। असुरों की जो इन सब की संचालित है वो एक अक्षित, फिर यहाँ पर जो जुनून है वो एक एक करके मोहन और सेठी को मार डालती है। पता चलता है कि सारा खेल ब्रह्मास्त्र को पाने का है जिसकी रक्षा तीन लोग कर रहे होते हैं। मोहन और जुनून का ये खेल शिवा अनुभव करता है जो ईशा के साथ अपने प्यार की शुरुआत करता है। ईशा और शिवा निकल पड़ते मोहन के इस दिव्य अनुभव के तार ढूंढने के लिए और बनारस होते हुए पहुंच जाते हैं ब्रह्म गुरु यानी कि अमिताभ बच्चन के पास, जो शिवा को उनके अंदर की का एहसास दिलाते हैं और अंत में बुराई पर अच्छाई की विजय होती है। वे आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। फिल्म काफ़ी महंगी है जिसे बनाने में एक लंबा अरसा लगा है, लेकिन निर्देशक आयन मुखर्जी ने बड़ी मेहनत से बनाया है। फिल्म का मुख्य आकर्षण है फिल्म के स्पेशल इफेक्ट जो काफ़ी अच्छे हैं। मूवी देखकर लगता है कि किसी भी हॉलीवुड का यहाँ पर मूवी जो है उसे टक्कर दे सकता है ब्रह्मास्त्र। फिल्म की फोटोग्राफी काफ़ी अच्छी है और बनारस और हिमाचल के दृश्यों को खूबसूरती के साथ दिखाया गया है। फिल्म 3D में है इसलिए एक्शन सीन आपको चश्मा लगाकर या फिर IMAX में देखने पड़ सकते हैं। अगर आप इस मूवी को एक बहुत ही बड़ी स्क्रीन पर देखेंगे तो अलग ही आपको आनंद आएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो मूवी है वो इस तरह से बनाई गई है कि बड़े स्क्रीन पर ये मूवी काफ़ी अच्छी लगेंगी। इस मूवी के अंदर जितने भी किरदार हैं सभी कलाकारों ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की हुई है। ये एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है जिसे एक बार देखा जा सकता है। इस मूवी का दूसरा पार्ट भी आएगा जिसकी अनाउंसमेंट बहुत जल्दी ही करा दी जाएंगी, तो आप इस मूवी को दोस्तों एक बार तो ज़रूर देख लीजिएगा। ये मूवी आपको ज़रूर अच्छी लगने वाली है। आने वाले टाइम में अगर इस मूवी का कोई भी प्रीमियर होता है तो मैं आपको बताऊंगा। आप सभी लोग मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में आप सभी को जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस कमाल की मूवी को Disney+ सॉफ्टवेयर पर जाके देखेंगे। इसके अलावा ये मूवी आपको कैसे लगते हैं आप मुझे ज़रूर बताइएगा। बॉलीवुड में बनी एक शानदार मूवी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये कौन सी मूवी है, कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, क्या इस मूवी की स्टोरी है, इन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी बेहद ही कमाल की एक मूवी को एंजॉय कर सकें। दोस्तों मूवी काफ़ी बढ़िया बनाई गई है तो इस मूवी को आप लोग एक बार तो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इस मूवी के बारे में बात करते हैं। ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा, जो कि इस मूवी का पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट भी आपको देखने को मिलेगा। मूवी के बारे में बात करें तो 2022 में इस मूवी को रिलीज़ किया गया था। यह मूवी एक्शन और एडवेंचर के ऊपर बनाई गई है। 2 घंटे 40 मिनट की ये मूवी है जो आपको बोर नहीं कराएंगी। इस मूवी की कहानी काफ़ी बढ़िया है, जो IMDB है वहाँ पर 10 आउट ऑफ 5.6 की रेटिंग इस मूवी को मिली है और जो रॉटन टमाटोज है वहाँ पर भी 50% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया हुआ है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी 72% लोगों ने इस मूवी को लाइक दिया हुआ है। इस मूवी के जो डायरेक्टर थे वो आयन मुखर्जी रहे थे, जिन्हें आप सभी लोग जानते ही होंगे, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है। इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार मूवीज़ बनाई हुई है।
तो इनकी अगर आप ये मूवी देखते हैं तो आप इनकी कुछ पुरानी मूवीज भी देख सकते हैं जो काफ़ी बढ़िया उन्होंने बनाई है। कहा जाता है कि इस मूवी को बनने में काफ़ी टाइम लगा है। खैर चलिए, इस मूवी की जो कहानी है इसके बारे में बात करते हैं और कहाँ पर कौन से प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं ये मूवी देखनी है तो कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, अगर आप लोग ब्रह्मास्त्र मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर मूवी अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। बाकी ये आपको यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेंगी, इसकी सिंपल वजह है कॉपीराइट इशू, इसके चलते ये मूवी आपको यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेंगी। इस मूवी में आपको शाहरुख खान का कैमियो भी देखने को मिल जाता है जिनके बारे में हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। इस मूवी के जो मैन कास्ट है उसके अंदर रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन, मौनी रॉय, शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, डिम्पल कपाड़िया, सौरव गुर्जर, मकरंद सोनी, सुदेव नायर, मधुमति कपूर और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार मूवी में देखने को मिलते हैं। सभी कलाकारों ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो आपको ज़रूर पसंद आने वाला है। चलिए अब बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी क्या है और इस मूवी में हमें क्या नया देखने को मिलेगा। वैसे इस मूवी की दोस्तों स्टोरी काफ़ी सिंपल है और आप इस मूवी को देखेंगे तो आप ही के बारे में इस मूवी की जो कहानी है वो भी समझ जाएंगे, पर कुछ लोगों को इस मूवी की जो कहानी है वो समझने में दिक्कत हो सकती है या फिर दोबारा इस मूवी को देखना पड़ सकता है। खैर, आप लोग इस मूवी को देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इसकी कहानी समझ ही जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में, क्या स्टोरी है, क्या आपको देखने को मिलता है, इस मूवी का कलेक्शन क्या रहा था, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कहानी की अगर बात करें तो कहानी हमारी भारतीय कथा पुराणों में देवता असुर और शिव से रहस्य शुरू होकर आज के समय की है। रणबीर कपूर बने हैं एक डीजे शिवा, जिन्हें दशहरे के मेले में एक लड़की ईशा यानी कि आलिया भट्ट से पहली नज़र वाला फर्स्ट टाइम प्यार हो जाता है, लेकिन प्यार के साथ उन्हें एक सुपर नेचुरल ब्रह्म अनुभव होता है जो उसके बचपन के सपनों के साथ जुड़ा होता है। शिवा की कहानी आगे जुड़ी होती है एक वैज्ञानिक मोहन यानी कि शाहरुख खान और बनारस के पेटर सेठी यानी कि नागार्जुन के साथ, इसी के साथ एंट्री होती है। असुरों की जो इन सब की संचालित है वो एक अक्षित, फिर यहाँ पर जो जुनून है वो एक एक करके मोहन और सेठी को मार डालती है। पता चलता है कि सारा खेल ब्रह्मास्त्र को पाने का है जिसकी रक्षा तीन लोग कर रहे होते हैं। मोहन और जुनून का ये खेल शिवा अनुभव करता है जो ईशा के साथ अपने प्यार की शुरुआत करता है। ईशा और शिवा निकल पड़ते मोहन के इस दिव्य अनुभव के तार ढूंढने के लिए और बनारस होते हुए पहुंच जाते हैं ब्रह्म गुरु यानी कि अमिताभ बच्चन के पास, जो शिवा को उनके अंदर की का एहसास दिलाते हैं और अंत में बुराई पर अच्छाई की विजय होती है वे आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। फिल्म काफ़ी महंगी है जिसे बनाने में एक लंबा अरसा लगा है, लेकिन निर्देशक आयन मुखर्जी ने बड़ी मेहनत से बनाया है। फिल्म का मुख्य आकर्षण है फिल्म के स्पेशल इफेक्ट जो काफ़ी अच्छे हैं। मूवी देखकर लगता है कि किसी भी हॉलीवुड का यहाँ पर मूवी जो है उसे टक्कर दे सकता है ब्रह्मास्त्र। फिल्म की फोटोग्राफी काफ़ी अच्छी है और बनारस और हिमाचल के दृश्यों को खूबसूरती के साथ दिखाया गया है। फिल्म 3D में है इसलिए एक्शन सीन आपको चश्मा लगाकर या फिर IMAX में देखने पड़ सकते हैं। अगर आप इस मूवी को एक बहुत ही बड़ी स्क्रीन पर देखेंगे तो अलग ही आपको आनंद आएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो मूवी है वो इस तरह से बनाई गई है कि बड़े स्क्रीन पर यह मूवी काफ़ी अच्छी लगेंगी। इस मूवी के अंदर जितने भी किरदार हैं सभी कलाकारों ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की हुई है। ये एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है जिसे एक बार देखा जा सकता है। इस मूवी का दूसरा पार्ट भी आएगा जिसकी अनाउंसमेंट बहुत जल्दी ही करा दी जाएंगी, तो आप इस मूवी को दोस्तों एक बार तो ज़रूर देख लीजिएगा। ये मूवी आपको ज़रूर अच्छी लगने वाली है। आने वाले टाइम में अगर इस मूवी का कोई भी प्रीमियर होता है तो मैं आपको बताऊँगा। आप सभी लोग मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में आप सभी को जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस कमाल की मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाके देखेंगे। इसके अलावा ये मूवी आपको कैसे लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। बॉलीवुड में बनी एक शानदार मूवी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये कौन सी मूवी है, कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, क्या इस मूवी की स्टोरी है, इन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी बेहद ही कमाल की एक मूवी को एंजॉय कर सकें। दोस्तों मूवी काफ़ी बढ़िया बनाई गई है तो इस मूवी को आप लोग एक बार तो ज़रूर देखिएगा।
तो चलिए इस मूवी के बारे में बात करते हैं। ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा, जो कि इस मूवी का पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट भी आपको देखने को मिलेगा। मूवी के बारे में बात करें तो 2022 में इस मूवी को रिलीज़ किया गया था। यह मूवी एक्शन और एडवेंचर के ऊपर बनाई गई है। 2 घंटे 40 मिनट की ये मूवी है जो आपको बोर नहीं कराएंगी। इस मूवी की कहानी काफ़ी बढ़िया है। जो IMDB है वहाँ पर 10 आउट ऑफ 5.6 की रेटिंग इस मूवी को मिली है और जो रॉटन टमाटोज है वहाँ पर भी 50% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया हुआ है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी 72% लोगों ने इस मूवी को लाइक दिया हुआ है। इस मूवी के जो डायरेक्टर थे वो आयन मुखर्जी रहे थे, जिन्हें आप सभी लोग जानते ही होंगे, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है। इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार मूवीज़ बनाई हुई है। तो इनकी अगर आप ये मूवी देखते हैं तो आप इनकी कुछ पुरानी मूवीज भी देख सकते हैं जो काफ़ी बढ़िया उन्होंने बनाई है। कहा जाता है कि इस मूवी को बनने में काफ़ी टाइम लगा है। खैर चलिए इस मूवी की जो कहानी है इसके बारे में बात करते हैं और कहां पर कौन से प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं ये मूवी देखनी है तो कहां पर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों अगर आप लोग ब्रह्मास्त्र मूवी को देखना चाहते हैं तो Disney+ हॉटस्टार पर मूवी अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। बाकी ये आपको यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेंगी। इसकी सिंपल वजह है कॉपीराइट इशू, इसके चलते ये मूवी आपको यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेंगी। इस मूवी में आपको शाहरुख खान का कैमियो भी देखने को मिल जाता है, जिनके बारे में हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। इस मूवी के जो मेन कास्ट है उसके अंदर रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन, मौनी रॉय, शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, डिम्पल कपाड़िया, सौरव गुर्जर, मकरंद सोनी, सुदेव नायर, मधुमति कपूर और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार मूवी में देखने को मिलते हैं। सभी कलाकारों ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो आपको ज़रूर पसंद आने वाला है। चलिए अब बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी क्या है और इस मूवी में हमें क्या नया देखने को मिलेगा। वैसे इस मूवी की दोस्तों स्टोरी काफ़ी सिंपल है और आप इस मूवी को देखेंगे तो आप ही के बारे में इस मूवी की जो कहानी है वो भी समझ जाएंगे। पर कुछ लोगों को इस मूवी की जो कहानी है वो समझने में दिक्कत हो सकती है या फिर दोबारा इस मूवी को देखना पड़ सकता है। खैर आप लोग इस मूवी को देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इसकी कहानी समझ ही जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में, क्या स्टोरी है, क्या आपको देखने को मिलता है, इस मूवी का कलेक्शन क्या रहा था, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कहानी की अगर बात करें तो कहानी हमारी भारतीय कथा पुराणों में देवता असुर और शिव से रहस्य शुरू होकर आज के समय की है। रणबीर कपूर बने हैं एक DJ शिवा, जिन्हें दशहरे के मेले में एक लड़की ईशा यानी कि आलिया भट्ट से पहली नज़र वाला फर्स्ट टाइम प्यार हो जाता है। लेकिन प्यार के साथ उन्हें एक सुपर नेचुरल ब्रह्म अनुभव होता है जो उसके बचपन के सपनों के साथ जुड़ा होता है। शिवा की कहानी आगे जुड़ी होती है एक वैज्ञानिक मोहन यानी कि शाहरुख खान और बनारस के पेटर सेठी यानी कि नागार्जुन के साथ, इसी के साथ एंट्री होती है। असुरों की जो इन सब की संचालित है वो एक अक्षित, फिर यहाँ पर जो जुनून है वो एक एक करके मोहन और सेठी को मार डालती है। पता चलता है कि सारा खेल ब्रह्मास्त्र को पाने का है जिसकी रक्षा 3 लोग कर रहे होते हैं। मोहन और जुनून का ये खेल शिवा अनुभव करता है जो ईशा के साथ अपने प्यार की शुरुआत करता है। ईशा और शिवा निकल पड़ते मोहन के इस दिव्य अनुभव के तार ढूंढने के लिए और बनारस होते हुए पहुंच जाते हैं ब्रह्म गुरु यानी कि अमिताभ बच्चन के पास, जो शिवा को उनके अंदर की का एहसास दिलाते हैं और अंत में बुराई पर अच्छाई की विजय होती है वे आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। फिल्म काफ़ी महंगी है जिसे बनाने में एक लंबा अरसा लगा है, लेकिन निर्देशक आयन मुखर्जी ने बड़ी मेहनत से बनाया है। फिल्म का मुख्य आकर्षण है फिल्म के स्पेशल इफेक्ट जो काफ़ी अच्छे हैं। मूवी देखकर लगता है कि किसी भी हॉलीवुड का यहाँ पर मूवी जो है उसे टक्कर दे सकता है ब्रह्मास्त्र। फिल्म की फोटोग्राफी काफ़ी अच्छी है और बनारस और हिमाचल के दृश्यों को खूबसूरती के साथ दिखाया गया है। फिल्म 3D में है इसलिए एक्शन सीन आपको चश्मा लगाकर या फिर IMAX में देखने पड़ सकते हैं। अगर आप इस मूवी को एक बहुत ही बड़ी स्क्रीन पर देखेंगे तो अलग ही आपको आनंद आएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो मूवी है वो इस तरह से बनाई गई है कि बड़े स्क्रीन पर यह मूवी काफ़ी अच्छी लगेंगी। इस मूवी के अंदर जितने भी किरदार हैं सभी कलाकारों ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की हुई है। ये एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है जिसे एक बार देखा जा सकता है। इस मूवी का दूसरा पार्ट भी आएगा जिसकी अनाउंसमेंट बहुत जल्दी ही करा दी जाएंगी। तो आप इस मूवी को दोस्तों एक बार तो ज़रूर देख लीजिएगा। ये मूवी
आपको ज़रूर अच्छी लगने वाली है। आने वाले टाइम में अगर इस मूवी का कोई भी प्रीमियर होता है तो मैं आपको बताऊंगा। आप सभी लोग मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में आप सभी को जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस कमाल की मूवी को डिज्नी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाकर देखेंगे। इसके अलावा ये मूवी आपको कैसे लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। बॉलीवुड में बनी एक शानदार मूवी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये कौन सी मूवी है, कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, क्या इस मूवी की स्टोरी है, इन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी बेहद ही कमाल की एक मूवी को एंजॉय कर सकें। दोस्तों मूवी काफ़ी बढ़िया बनाई गई है, तो इस मूवी को आप लोग एक बार तो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इस मूवी के बारे में बात करते हैं। ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा, जो कि इस मूवी का पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट भी आपको देखने को मिलेगा। मूवी के बारे में बात करें तो 2022 में इस मूवी को रिलीज़ किया गया था। यह मूवी एक्शन और एडवेंचर के ऊपर बनाई गई है। 2 घंटे 40 मिनट की ये मूवी है जो आपको बोर नहीं कराएंगी। इस मूवी की कहानी काफ़ी बढ़िया है। जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 5.6 की रेटिंग इस मूवी को मिली है, और जो रॉटन टमाटोज है वहाँ पर भी 50% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया हुआ है, और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी 72% लोगों ने इस मूवी को लाइक दिया हुआ है। इस मूवी के जो डायरेक्टर थे वो आयन मुखर्जी रहे थे, जिन्हें आप सभी लोग जानते ही होंगे, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है। इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार मूवीज़ बनाई हुई है। तो इनकी अगर आप ये मूवी देखते हैं तो आप इनकी कुछ पुरानी मूवीज भी देख सकते हैं जो काफ़ी बढ़िया उन्होंने बनाई है। कहा जाता है कि इस मूवी को बनने में काफ़ी टाइम लगा है। खैर चलिए इस मूवी की जो कहानी है इसके बारे में बात करते हैं, और कहां पर कौन से प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं ये मूवी देखनी है तो कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों अगर आप लोग ब्रह्मास्त्र मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस सॉफ्टवेयर पर मूवी अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। बाकी ये आपको YouTube पर नहीं देखने को मिलेंगी, इसकी सिंपल वजह है कॉपीराइट इशू, इसके चलते ये मूवी आपको YouTube पर नहीं देखने को मिलेंगी। इस मूवी में आपको शाहरुख खान का कैमियो भी देखने को मिल जाता है, जिनके बारे में हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। इस मूवी के जो मैन कास्ट है उसके अंदर रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन, मौनी रॉय, शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, डिम्पल कपाड़िया, सौरव गुर्जर, मकरंद सोनी, सुदेव नायर, मधुमती कपूर और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार मूवी में देखने को मिलता है। सभी कलाकारों ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो आपको ज़रूर पसंद आने वाला है। चलिए अब बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी क्या है और इस मूवी में हमें क्या नया देखने को मिलेगा। वैसे इस मूवी की दोस्तों स्टोरी काफ़ी सिंपल है, और आप इस मूवी को देखेंगे तो अभी के बारे में इस मूवी की जो कहानी है वो भी समझ जाएंगे, पर कुछ लोगों को इस मूवी की जो कहानी है वो समझने में दिक्कत हो सकती है या फिर दोबारा इस मूवी को देखना पड़ सकता है। खैर आप लोग इस मूवी को देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इसकी कहानी समझ ही जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में, क्या स्टोरी है, क्या आपको देखने को मिलता है, इस मूवी का कलेक्शन क्या रहा था, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कहानी की अगर बात करें तो कहानी हमारी भारतीय कथा पुराणों में देवता असुर और शिव से रहस्य शुरू होकर आज के समय की है। रणबीर कपूर बने हैं एक DJ शिवा, जिन्हें दशहरे के मेले में एक लड़की ईशा यानी कि आलिया भट्ट से पहली नज़र वाला फर्स्ट टाइम प्यार हो जाता है, लेकिन प्यार के साथ उन्हें एक सुपर नेचुरल ब्रह्म अनुभव होता है जो उसके बचपन के सपनों के साथ जुड़ा होता है। शिवा की कहानी आगे जुड़ी होती है एक वैज्ञानिक मोहन यानी कि शाहरुख खान और बनारस के पेटर सेटी यानी कि नागार्जुन के साथ, इसी के साथ एंट्री होती है। असुरों की जो इन सब की संचालित है वो एक अक्षित, फिर यहाँ पर जो जुनून है वो एक एक करके मोहन और सेटी को मार डालती है। पता चलता है कि सारा खेल ब्रह्मास्त्र को पाने का है, जिसकी रक्षा 3 लोग कर रहे होते हैं। मोहन और जुनून का ये खेल शिवा अनुभव करता है, जो ईशा के साथ अपने प्यार की शुरुआत करता है। ईशा और शिवा निकल पड़ते मोहन के इस दिव्य अनुभव के तार ढूंढने के लिए, और बनारस होते हुए पहुंच जाते हैं ब्रह्म गुरु यानी कि अमिताभ बच्चन के पास, जो शिवा को उनके अंदर की का एहसास दिलाते हैं, और अंत में बुराई पर अच्छाई की विजय होती है, वे आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है।
फिल्म काफ़ी महंगी है जिसे बनाने में एक लंबा अरसा लगा है, लेकिन निर्देशक आयन मुखर्जी ने बड़ी मेहनत से बनाया है। फिल्म का मुख्य आकर्षण है फिल्म के स्पेशल इफेक्ट जो काफ़ी अच्छे हैं। मूवी देखकर लगता है कि किसी भी हॉलीवुड का यहाँ पर मूवी जो है उसे टक्कर दे सकता है ब्रह्मास्त्र। फिल्म की फोटोग्राफी काफ़ी अच्छी है और बनारस और हिमाचल के दृश्यों को खूबसूरती के साथ दिखाया गया है। फिल्म 3D में है इसलिए एक्शन सीन आपको चश्मा लगाकर या फिर IMAX में देखने पड़ सकते हैं। अगर आप इस मूवी को एक बहुत ही बड़ी स्क्रीन पर देखेंगे तो अलग ही आपको आनंद आएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो मूवी है वो इस तरह से बनाई गई है कि बड़े स्क्रीन पर ये मूवी काफ़ी अच्छी लगेंगी। इस मूवी के अंदर जितने भी किरदार हैं सभी कलाकारों ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की हुई है। ये एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है जिसे एक बार देखा जा सकता है। इस मूवी का दूसरा पार्ट भी आएगा जिसकी अनाउंसमेंट बहुत जल्दी ही करा दी जाएंगी, तो आप इस मूवी को दोस्तों एक बार तो ज़रूर देख लीजिएगा। ये मूवी आपको ज़रूर अच्छी लगने वाली है। आने वाले टाइम में अगर इस मूवी का कोई भी प्रीमियर होता है तो मैं आपको बताऊँगा। आप सभी लोग मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में आप सभी को जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस कमाल की मूवी को Disney+ सॉफ्टवेयर पर जाके देखेंगे। इसके अलावा ये मूवी आपको कैसे लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। बॉलीवुड में बनी एक शानदार मूवी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये कौन सी मूवी है, कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, क्या इस मूवी की स्टोरी है, इन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी बेहद ही कमाल की एक मूवी को एंजॉय कर सकें। दोस्तों मूवी काफ़ी बढ़िया बनाई गई है, तो इस मूवी को आप लोग एक बार तो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इस मूवी के बारे में बात करते हैं। ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा, जो कि इस मूवी का पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट भी आपको देखने को मिलेगा। मूवी के बारे में बात करें तो 2022 में इस मूवी को रिलीज़ किया गया था। यह मूवी एक्शन और एडवेंचर के ऊपर बनाई गई है। 2 घंटे 40 मिनट की ये मूवी है जो आपको बोर नहीं कराएंगी। इस मूवी की कहानी काफ़ी बढ़िया है। जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 5.6 की रेटिंग इस मूवी को मिली है और जो रॉटन टमाटोज है वहाँ पर भी 50% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया हुआ है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी 72% लोगों ने इस मूवी को लाइक दिया हुआ है। इस मूवी के जो डायरेक्टर थे वो आयन मुखर्जी रहे थे, जिन्हें आप सभी लोग जानते ही होंगे, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है। इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार मूवीज़ बनाई हुई है। तो इनके अगर आप ये मूवी देखते हैं तो आप इनकी कुछ पुरानी मूवीज भी देख सकते हैं जो काफ़ी बढ़िया उन्होंने बनाई है। कहा जाता है कि इस मूवी को बनने में काफ़ी टाइम लगा है। खैर चलिए इस मूवी की जो कहानी है इसके बारे में बात करते हैं और कहां पर कौन से प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं ये मूवी देखनी है तो कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों अगर आप लोग ब्रह्मास्त्र मूवी को देखना चाहते हैं तो Disney+ सॉफ्टवेयर पर मूवी अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। बाकी ये आपको YouTube पर नहीं देखने को मिलेंगी, इसकी सिंपल वजह है कॉपीराइट इशू, इसके चलते ये मूवी आपको YouTube पर नहीं देखने को मिलेंगी। इस मूवी में आपको शाहरुख खान का कैमियो भी देखने को मिल जाता है, जिनके बारे में हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। इस मूवी के जो मैन कास्ट है उसके अंदर रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन, मौनी रॉय, शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, डिम्पल कपाड़िया, सौरव गुर्जर, मकरंद सोनी, सुदेव नायर, मधुमती कपूर और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार मूवी में देखने को मिलते हैं। सभी कलाकारों ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो आपको ज़रूर पसंद आने वाला है। चलिए अब बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी क्या है और इस मूवी में हमें क्या नया देखने को मिलेगा। वैसे इस मूवी की दोस्तों स्टोरी काफ़ी सिंपल है और आप इस मूवी को देखेंगे तो आप ही के बारे में इस मूवी की जो कहानी है वो भी समझ जाएंगे, पर कुछ लोगों को इस मूवी की जो कहानी है वो समझने में दिक्कत हो सकती है या फिर दोबारा इस मूवी को देखना पड़ सकता है। खैर आप लोग इस मूवी को देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इसकी कहानी समझ ही जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में, क्या स्टोरी है, क्या आपको देखने को मिलता है, इस मूवी का कलेक्शन क्या रहा था, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कहानी की अगर बात करें तो कहानी हमारी भारतीय कथा पुराणों में देवता असुर और शिव से रहस्य शुरू होकर आज के समय की है। रणबीर कपूर बने हैं एक DJ शिवा, जिन्हें दशहरे के मेले में एक लड़की ईशा यानी कि आलिया भट्ट से पहली बार पहली नज़र वाला फर्स्ट टाइम प्यार हो जाता है, लेकिन प्यार के साथ उन्हें एक सुपर नेचुरल ब्रह्म अनुभव होता है जो उसके बचपन के सपनों के साथ जुड़ा होता है।
शिवा की कहानी आगे जोड़ी होती है। एक वैज्ञानिक मोहन यानी कि शाहरुख खान और बनारस के पेटर सेटी यानी कि नागार्जुन के साथ इसी के साथ एंट्री होती है। असुरों की जो इन सब की संचालित है वो एक अक्षित, फिर यहाँ पर जो जुनून है वो एक एक करके मोहन और सेटी को मार डालती है। पता चलता है कि सारा खेल ब्रह्मास्त्र को पाने का है जिसकी रक्षा तीन लोग कर रहे होते हैं। मोहन और जुनून का ये खेल शिवा अनुभव करता है जो ईशा के साथ अपने प्यार की शुरुआत करता है। ईशा और शिवा निकल पड़ते मोहन के इस दिव्य अनुभव के तार ढूंढने के लिए और बनारस होते हुए पहुंच जाते हैं ब्रह्म गुरु यानी कि अमिताभ बच्चन के पास, जो शिवा को उनके अंदर की का एहसास दिलाते हैं और अंत में बुराई पर अच्छाई की विजय होती है वे आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। फिल्म काफ़ी महंगी है जिसे बनाने में एक लंबा अरसा लगा है, लेकिन निर्देशक आयन मुखर्जी ने बड़ी मेहनत से बनाया है। फिल्म का मुख्य आकर्षण है फिल्म के स्पेशल इफेक्ट जो काफ़ी अच्छे हैं। मूवी देखकर लगता है कि किसी भी हॉलीवुड का यहाँ पर मूवी जो है उसे टक्कर दे सकता है ब्रह्मास्त्र। फिल्म की फोटोग्राफी काफ़ी अच्छी है और बनारस और हिमाचल के दृश्यों को खूबसूरती के साथ दिखाया गया है। फिल्म 3D में है इसलिए एक्शन सीन आपको चश्मा लगाकर या फिर IMAX में देखने पड़ सकते हैं। अगर आप इस मूवी को एक बहुत ही बड़ी स्क्रीन पर देखेंगे तो अलग ही आपको आनंद आएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो मूवी है वो इस तरह से बनाई गई है कि बड़े स्क्रीन पर ये मूवी काफ़ी अच्छी लगेंगी। इस मूवी के अंदर जितने भी किरदार हैं सभी कलाकारों ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की हुई है। ये एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है जिसे एक बार देखा जा सकता है। इस मूवी का दूसरा पार्ट भी आएगा जिसकी अनाउंसमेंट बहुत जल्दी ही करा दी जाएंगी, तो आप इस मूवी को दोस्तों एक बार तो ज़रूर देख लीजिएगा। ये मूवी आपको ज़रूर अच्छी लगने वाली है। आने वाले टाइम में अगर इस मूवी का कोई भी प्रीमियर होता है तो मैं आपको बताऊँगा। आप सभी लोग मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में आप सभी को जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस कमाल की मूवी को डिज्नी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाकर देखेंगे। इसके अलावा ये मूवी आपको कैसे लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। बॉलीवुड में बनी एक शानदार मूवी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये कौन सी मूवी है, कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, क्या इस मूवी की स्टोरी है, इन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी बेहद ही कमाल की एक मूवी को एंजॉय कर सकें। दोस्तों मूवी काफ़ी बढ़िया बनाई गई है, तो इस मूवी को आप लोग एक बार तो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इस मूवी के बारे में बात करते हैं। ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा, जो कि इस मूवी का पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट भी आपको देखने को मिलेगा। मूवी के बारे में बात करें तो 2022 में इस मूवी को रिलीज़ किया गया था। यह मूवी एक्शन और एडवेंचर के ऊपर बनाई गई है। 2 घंटे 40 मिनट की ये मूवी है जो आपको बोर नहीं कराएंगी। इस मूवी की कहानी काफ़ी बढ़िया है, जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 5.6 की रेटिंग इस मूवी को मिली है और जो रॉटन टमाटोज है वहाँ पर भी 50% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया हुआ है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी 72% लोगों ने इस मूवी को लाइक दिया हुआ है। इस मूवी के जो डायरेक्टर थे वो आयन मुखर्जी रहे थे, जिन्हें आप सभी लोग जानते ही होंगे, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है। इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार मूवीज़ बनाई हुई है। तो इनके अगर आप ये मूवी देखते हैं तो आप इनकी कुछ पुरानी मूवीज भी देख सकते हैं जो काफ़ी बढ़िया उन्होंने बनाई है। कहा जाता है कि इस मूवी को बनने में काफ़ी टाइम लगा है। खैर चलिए इस मूवी की जो कहानी है इसके बारे में बात करते हैं और कहाँ पर कौन से प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं ये मूवी देखनी है तो कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों अगर आप लोग ब्रह्मास्त्र मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस सॉफ्टवेयर पर मूवी अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। बाकी ये आपको यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेंगी, इसकी सिंपल वजह है कॉपीराइट इशू, इसके चलते ये मूवी आपको यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेंगी। इस मूवी में आपको शाहरुख खान का कैमियो भी देखने को मिल जाता है, जिनके बारे में हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। इस मूवी के जो मैन कास्ट है उसके अंदर रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन, मौनी रॉय, शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, डिम्पल कपाड़िया, सौरव गुर्जर, मकरंद सोनी, सुदेव नायर, मधुमती कपूर और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार मूवी में देखने को मिलते हैं। सभी कलाकारों ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो आपको ज़रूर पसंद आने वाला है। चलिए अब बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी क्या है और इस मूवी में हमें क्या नया देखने को मिलेगा। वैसे इस मूवी की दोस्तों स्टोरी काफ़ी सिंपल है और आप इस मूवी को देखेंगे तो अभी के बारे में इस मूवी की जो कहानी है वो भी समझ जाएंगे।
पर कुछ लोगों को इस मूवी की जो कहानी है वो समझने में दिक्कत हो सकती है या फिर दोबारा इस मूवी को देखना पड़ सकता है। खैर, आप लोग इस मूवी को देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इसकी कहानी समझ ही जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में, क्या स्टोरी है, क्या आपको देखने को मिलता है, इस मूवी का कलेक्शन क्या रहा था, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कहानी की अगर बात करें तो कहानी हमारी भारतीय कथा पुराणों में देवता असुर और शिव से रहस्य शुरू होकर आज के समय की है। रणबीर कपूर बने हैं एक डीजे शिवा, जिन्हें दशहरे के मेले में एक लड़की ईशा यानी कि आलिया भट्ट से पहली बार पहली नज़र वाला फर्स्ट टाइम प्यार हो जाता है। लेकिन प्यार के साथ उन्हें एक सुपर नेचुरल ब्रह्म अनुभव होता है जो उसके बचपन के सपनों के साथ जुड़ा होता है। शिवा की कहानी आगे जुड़ी होती है एक वैज्ञानिक मोहन यानी कि शाहरुख खान और बनारस के पेटर सेठी यानी कि नागार्जुन के साथ, इसी के साथ एंट्री होती है। असुरों की जो इन सब की संचालित है वो एक अक्षित, फिर यहाँ पर जो जुनून है वो एक एक करके मोहन और सेठी को मार डालती है। पता चलता है कि सारा खेल ब्रह्मास्त्र को पाने का है जिसकी रक्षा तीन लोग कर रहे होते हैं। मोहन और जुनून का यह खेल शिवा अनुभव करता है जो ईशा के साथ अपने प्यार की शुरुआत करता है। ईशा और शिवा निकल पड़ते मोहन के इस दिव्य अनुभव के तार ढूंढने के लिए और बनारस होते हुए पहुंच जाते हैं ब्रह्म गुरु यानी कि अमिताभ बच्चन के पास, जो शिवा को उनके अंदर की का एहसास दिलाते हैं और अंत में बुराई पर अच्छाई की विजय होती है वे आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। फिल्म काफ़ी महंगी है जिसे बनाने में एक लंबा अरसा लगा है, लेकिन निर्देशक आयन मुखर्जी ने बड़ी मेहनत से बनाया है। फिल्म का मुख्य आकर्षण है फिल्म के स्पेशल इफेक्ट जो काफ़ी अच्छे हैं। मूवी देखकर लगता है कि किसी भी हॉलीवुड का यहाँ पर मूवी जो है उसे टक्कर दे सकता है ब्रह्मास्त्र। फिल्म की फोटोग्राफी काफ़ी अच्छी है और बनारस और हिमाचल के दृश्यों को खूबसूरती के साथ दिखाया गया है। फिल्म 3D में है इसलिए एक्शन सीन आपको चश्मा लगाकर या फिर IMAX में देखने पड़ सकते हैं। अगर आप इस मूवी को एक बहुत ही बड़ी स्क्रीन पर देखेंगे तो अलग ही आपको आनंद आएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो मूवी है वो इस तरह से बनाई गई है कि बड़े स्क्रीन पर ये मूवी काफ़ी अच्छी लगेंगी। इस मूवी के अंदर जितने भी किरदार हैं सभी कलाकारों ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की हुई है। ये एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है जिसे एक बार देखा जा सकता है। इस मूवी का दूसरा पार्ट भी आएगा जिसकी अनाउंसमेंट बहुत जल्दी ही करा दी जाएंगी, तो आप इस मूवी को दोस्तों एक बार तो ज़रूर देख लीजिएगा। ये मूवी आपको ज़रूर अच्छी लगने वाली है। आने वाले टाइम में अगर इस मूवी का कोई भी प्रीमियर होता है तो मैं आपको बताऊँगा। आप सभी लोग मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में आप सभी को जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस कमाल की मूवी को डिज्नी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाके देखेंगे। इसके अलावा ये मूवी आपको कैसे लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। बॉलीवुड में बनी एक शानदार मूवी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये कौन सी मूवी है, कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, क्या इस मूवी की स्टोरी है, इन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी बेहद ही कमाल की एक मूवी को एंजॉय कर सकें। दोस्तों मूवी काफ़ी बढ़िया बनाई गई है तो इस मूवी को आप लोग एक बार तो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इस मूवी के बारे में बात करते हैं। ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा, जो कि इस मूवी का पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट भी आपको देखने को मिलेगा। मूवी के बारे में बात करें तो 2022 में इस मूवी को रिलीज़ किया गया था। यह मूवी एक्शन और एडवेंचर के ऊपर बनाई गई है। 2 घंटे 40 मिनट की ये मूवी है जो आपको बोर नहीं कराएंगी। इस मूवी की कहानी काफ़ी बढ़िया है, जो IMDB है वहाँ पर 10 आउट ऑफ 5.6 की रेटिंग इस मूवी को मिली है और जो रॉटन टमाटोज है वहाँ पर भी 50% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया हुआ है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी 72% लोगों ने इस मूवी को लाइक दिया हुआ है। इस मूवी के जो डायरेक्टर थे वो आयन मुखर्जी रहे थे, जिन्हें आप सभी लोग जानते ही होंगे, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है। इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार मूवीज़ बनाई हुई है। तो इनके अगर आप ये मूवी देखते हैं तो आप इनकी कुछ पुरानी मूवीज भी देख सकते हैं जो काफ़ी बढ़िया उन्होंने बनाई है। कहा जाता है कि इस मूवी को बनने में काफ़ी टाइम लगा है। खैर चलिए इस मूवी की जो कहानी है इसके बारे में बात करते हैं और कहाँ पर कौन से प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं ये मूवी देखनी है तो कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों अगर आप लोग ब्रह्मास्त्र मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर मूवी अवेलेबल है, आप लोग वहां से देख सकते हैं।
बाकी ये आपको यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेंगी। इसकी सिंपल वजह है कॉपीराइट इशू, इसके चलते ये मूवी आपको यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेंगी। इस मूवी में आपको शाहरुख खान का कैमियो भी देखने को मिल जाता है, जिनके बारे में हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। इस मूवी के जो मैन कास्ट है उसके अंदर रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन, मौनी रॉय, शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, डिम्पल कपाड़िया, सौरव गुर्जर, मकरंद सोनी, सुदेव नायर, मधुमति कपूर और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार मूवी में देखने को मिलते हैं। सभी कलाकारों ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है, जो आपको ज़रूर पसंद आने वाला है। चलिए अब बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी क्या है और इस मूवी में हमें क्या नया देखने को मिलेगा। वैसे इस मूवी की दोस्तों स्टोरी काफ़ी सिंपल है और आप इस मूवी को देखेंगे तो आप ही के बारे में इस मूवी की जो कहानी है वो भी समझ जाएंगे, पर कुछ लोगों को इस मूवी की जो कहानी है वो समझने में दिक्कत हो सकती है या फिर दोबारा इस मूवी को देखना पड़ सकता है। खैर आप लोग इस मूवी को देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इसकी कहानी समझ ही जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में, क्या स्टोरी है, क्या आपको देखने को मिलता है, इस मूवी का कलेक्शन क्या रहा था, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कहानी की अगर बात करें तो कहानी हमारी भारतीय कथा पुराणों में देवता असुर और शिव से रहस्य शुरू होकर आज के समय की है। रणबीर कपूर बने हैं एक डीजे शिवा, जिन्हें दशहरे के मेले में एक लड़की ईशा यानी कि आलिया भट्ट से पहली बार पहली नज़र वाला फर्स्ट टाइम प्यार हो जाता है, लेकिन प्यार के साथ उन्हें एक सुपर नेचुरल ब्रह्म अनुभव होता है जो उसके बचपन के सपनों के साथ जुड़ा होता है। शिवा की कहानी आगे जुड़ी होती है एक वैज्ञानिक मोहन यानी कि शाहरुख खान और बनारस के पेटर सेठी यानी कि नागार्जुन के साथ, इसी के साथ एंट्री होती है। असुरों की जो इन सब की संचालित है वो एक अक्षित, फिर यहाँ पर जो जुनून है वो एक एक करके मोहन और सेठी को मार डालती है। पता चलता है कि सारा खेल ब्रह्मास्त्र को पाने का है, जिसकी रक्षा तीन लोग कर रहे होते हैं। मोहन और जुनून का यह खेल शिवा अनुभव करता है, जो ईशा के साथ अपने प्यार की शुरुआत करता है। ईशा और शिवा निकल पड़ते मोहन के इस दिव्य अनुभव के तार ढूंढने के लिए और बनारस होते हुए पहुंच जाते हैं ब्रह्म गुरु यानी कि अमिताभ बच्चन के पास, जो शिवा को उनके अंदर की का एहसास दिलाते हैं और अंत में बुराई पर अच्छाई की विजय होती है, वे आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। फिल्म काफ़ी महंगी है जिसे बनाने में एक लंबा अरसा लगा है, लेकिन निर्देशक आयन मुखर्जी ने बड़ी मेहनत से बनाया है। फिल्म का मुख्य आकर्षण है फिल्म के स्पेशल इफेक्ट जो काफ़ी अच्छे हैं। मूवी देखकर लगता है कि किसी भी हॉलीवुड का यहाँ पर मूवी जो है उसे टक्कर दे सकता है ब्रह्मास्त्र। फिल्म की फोटोग्राफी काफ़ी अच्छी है और बनारस और हिमाचल के दृश्यों को खूबसूरती के साथ दिखाया गया है। फिल्म 3D में है इसलिए एक्शन सीन आपको चश्मा लगाकर या फिर IMAX में देखने पड़ सकते हैं। अगर आप इस मूवी को एक बहुत ही बड़ी स्क्रीन पर देखेंगे तो अलग ही आपको आनंद आएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो मूवी है वो इस तरह से बनाई गई है कि बड़े स्क्रीन पर ये मूवी काफ़ी अच्छी लगेंगी। इस मूवी के अंदर जितने भी किरदार हैं सभी कलाकारों ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की हुई है। ये एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है जिसे एक बार देखा जा सकता है। इस मूवी का दूसरा पार्ट भी आएगा जिसकी अनाउंसमेंट बहुत जल्दी ही करा दी जाएंगी, तो आप इस मूवी को दोस्तों एक बार तो ज़रूर देख लीजिएगा। ये मूवी आपको ज़रूर अच्छी लगने वाली है। आने वाले टाइम में अगर इस मूवी का कोई भी प्रीमियर होता है तो मैं आपको बताऊँगा। आप सभी लोग मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में आप सभी को जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस कमाल की मूवी को डिज्नी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाके देखेंगे। इसके अलावा ये मूवी आपको कैसे लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। बॉलीवुड में बनी एक शानदार मूवी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये कौन सी मूवी है, कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, क्या इस मूवी की स्टोरी है, इन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी बेहद ही कमाल की एक मूवी को एंजॉय कर सकें। दोस्तों मूवी काफ़ी बढ़िया बनाई गई है, तो इस मूवी को आप लोग एक बार तो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इस मूवी के बारे में बात करते हैं। ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा, जो कि इस मूवी का पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट भी आपको देखने को मिलेगा। मूवी के बारे में बात करें तो 2022 में इस मूवी को रिलीज़ किया गया था। यह मूवी एक्शन और एडवेंचर के ऊपर बनाई गई है। 2 घंटे 40 मिनट की यह मूवी है जो आपको बोर नहीं कराएंगी। इस मूवी की कहानी काफ़ी बढ़िया है, जो IMDB है वहाँ पर 10 आउट ऑफ 5.6 की रेटिंग इस मूवी को मिली है
और जो रॉटन टमाटोज है वहाँ पर भी 50% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया हुआ है, और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी 72% लोगों ने इस मूवी को लाइक दिया हुआ है। इस मूवी के जो डायरेक्टर थे वो आयन मुखर्जी रहे थे, जिन्हें आप सभी लोग जानते ही होंगे, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है। इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार मूवीज़ बनाई हुई है। तो इनकी अगर आप ये मूवी देखते हैं तो आप इनकी कुछ पुरानी मूवीज भी देख सकते हैं जो काफ़ी बढ़िया उन्होंने बनाई है। कहा जाता है कि इस मूवी को बनने में काफ़ी टाइम लगा है। खैर चलिए, इस मूवी की जो कहानी है इसके बारे में बात करते हैं, और कहाँ पर कौन से प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं ये मूवी देखनी है तो कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, अगर आप लोग ब्रह्मास्त्र मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर मूवी अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। बाकी ये आपको यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेंगी, इसकी सिंपल वजह है कॉपीराइट इशू, इसके चलते ये मूवी आपको यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेंगी। इस मूवी में आपको शाहरुख खान का कैमियो भी देखने को मिल जाता है, जिनके बारे में हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। इस मूवी के जो मैन कास्ट है उसके अंदर रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन, मौनी रॉय, शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, डिम्पल कपाड़िया, सौरव गुर्जर, मकरंद सोनी, सुदेव नायर, मधुमति कपूर, और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार मूवी में देखने को मिलता है। सभी कलाकारों ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है, जो आपको ज़रूर पसंद आने वाला है। चलिए अब बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी क्या है और इस मूवी में हमें क्या नया देखने को मिलेगा। वैसे इस मूवी की दोस्तों स्टोरी काफ़ी सिंपल है, और आप इस मूवी को देखेंगे तो आप ही के बारे में इस मूवी की जो कहानी है वो भी समझ जाएंगे। पर कुछ लोगों को इस मूवी की जो कहानी है वो समझने में दिक्कत हो सकती है, या फिर दोबारा इस मूवी को देखना पड़ सकता है। खैर, आप लोग इस मूवी को देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इसकी कहानी समझ ही जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में, क्या स्टोरी है, क्या आपको देखने को मिलता है, इस मूवी का कलेक्शन क्या रहा था, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कहानी की अगर बात करें तो कहानी हमारी भारतीय कथा पुराणों में देवता असुर और शिव से रहस्य शुरू होकर आज के समय की है। रणबीर कपूर बने हैं एक डीजे शिवा, जिन्हें दशहरे के मेले में एक लड़की ईशा यानी कि आलिया भट्ट से पहली बार पहली नज़र वाला फर्स्ट टाइम प्यार हो जाता है। लेकिन प्यार के साथ उन्हें एक सुपर नेचुरल ब्रह्म अनुभव होता है, जो उसके बचपन के सपनों के साथ जुड़ा होता है। शिवा की कहानी आगे जुड़ी होती है एक वैज्ञानिक मोहन यानी कि शाहरुख खान और बनारस के पेटर सेठी यानी कि नागार्जुन के साथ इसी के साथ एंट्री होती है। असुरों की जो इन सब की संचालित है वो एक अक्षित, फिर यहाँ पर जो जुनून है वो एक एक करके मोहन और सैटी को मार डालती है। पता चलता है कि सारा खेल ब्रह्मास्त्र को पाने का है, जिसकी रक्षा तीन लोग कर रहे होते हैं। मोहन और जुनून का यह खेल शिवा अनुभव करता है, जो ईशा के साथ अपने प्यार की शुरुआत करता है। ईशा और शिवा निकल पड़ते मोहन के इस दिव्य अनुभव के तार ढूंढने के लिए, और बनारस होते हुए पहुंच जाते हैं ब्रह्म गुरु यानी कि अमिताभ बच्चन के पास, जो शिवा को उनके अंदर की का एहसास दिलाते हैं, और अंत में बुराई पर अच्छाई की विजय होती है, वे आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। फिल्म काफ़ी महंगी है, जिसे बनाने में एक लंबा अरसा लगा है, लेकिन निर्देशक आयन मुखर्जी ने बड़ी मेहनत से बनाया है। फिल्म का मुख्य आकर्षण है फिल्म के स्पेशल इफेक्ट, जो काफ़ी अच्छे हैं। मूवी देखकर लगता है कि किसी भी हॉलीवुड का यहाँ पर मूवी जो है उसे टक्कर दे सकता है ब्रह्मास्त्र। फिल्म की फोटोग्राफी काफ़ी अच्छी है, और बनारस और हिमाचल के दृश्यों को खूबसूरती के साथ दिखाया गया है। फिल्म 3D में है, इसलिए एक्शन सीन आपको चश्मा लगाकर या फिर IMAX में देखने पड़ सकते हैं। अगर आप इस मूवी को एक बहुत ही बड़ी स्क्रीन पर देखेंगे तो अलग ही आपको आनंद आएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो मूवी है वो इस तरह से बनाई गई है कि बड़े स्क्रीन पर ये मूवी काफ़ी अच्छी लगेंगी। इस मूवी के अंदर जितने भी किरदार हैं सभी कलाकारों ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की हुई है। ये एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है, जिसे एक बार देखा जा सकता है। इस मूवी का दूसरा पार्ट भी आएगा, जिसकी अनाउंसमेंट बहुत जल्दी ही करा दी जाएंगी। तो आप इस मूवी को दोस्तों एक बार तो ज़रूर देख लीजिएगा, ये मूवी आपको ज़रूर अच्छी लगने वाली है। आने वाले टाइम में अगर इस मूवी का कोई भी प्रीमियर होता है तो मैं आपको बताऊँगा। आप सभी लोग मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में आप सभी को जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस कमाल की मूवी को डिज्नी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाके देखेंगे। इसके अलावा ये मूवी आपको कैसे लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। बॉलीवुड में बनी एक शानदार मूवी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, तो
तो ये कौन सी मूवी है, कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, क्या इस मूवी की स्टोरी है, इन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी बेहद ही कमाल की एक मूवी को एंजॉय कर सकें। दोस्तों, मूवी काफ़ी बढ़िया बनाई गई है, तो इस मूवी को आप लोग एक बार तो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इस मूवी के बारे में बात करते हैं। ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा, जो कि इस मूवी का पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट भी आपको देखने को मिलेगा। मूवी के बारे में बात करें तो 2022 में इस मूवी को रिलीज़ किया गया था। यह मूवी एक्शन और एडवेंचर के ऊपर बनाई गई है। 2 घंटे 40 मिनट की ये मूवी है जो आपको बोर नहीं कराएंगी। इस मूवी की कहानी काफ़ी बढ़िया है। जो IMDB है वहाँ पर 10 आउट ऑफ 5.6 की रेटिंग इस मूवी को मिली है और जो रॉटन टमाटोज है वहाँ पर भी 50% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया हुआ है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी 72% लोगों ने इस मूवी को लाइक दिया हुआ है। इस मूवी के जो डायरेक्टर थे वो आयन मुखर्जी रहे थे, जिन्हें आप सभी लोग जानते ही होंगे, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है। इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार मूवीज़ बनाई हुई है। तो इनकी अगर आप ये मूवी देखते हैं तो आप इनकी कुछ पुरानी मूवीज भी देख सकते हैं जो काफ़ी बढ़िया उन्होंने बनाई है। कहा जाता है कि इस मूवी को बनने में काफ़ी टाइम लगा है। खैर, चलिए इस मूवी की जो कहानी है इसके बारे में बात करते हैं और कहाँ पर कौन से प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं ये मूवी देखनी है तो कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, अगर आप लोग ब्रह्मास्त्र मूवी को देखना चाहते हैं तो Disney+ हॉटस्टार पर मूवी अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। बाकी ये आपको यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेंगी। इसकी सिंपल वजह है कॉपीराइट इशू, इसके चलते ये मूवी आपको यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेंगी। इस मूवी में आपको शाहरुख खान का कैमियो भी देखने को मिल जाता है, जिनके बारे में हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। इस मूवी के जो मैन कास्ट है उसके अंदर रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन, मौनी रॉय, शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, डिम्पल कपाड़िया, सौरव गुर्जर, मकरंद सोनी, सुदेव नायर, मधुमति कपूर और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार मूवी में देखने को मिलते हैं। सभी कलाकारों ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो आपको ज़रूर पसंद आने वाला है। चलिए बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी क्या है और इस मूवी में हमें क्या नया देखने को मिलेगा। वैसे इस मूवी की दोस्तों स्टोरी काफ़ी सिंपल है और आप इस मूवी को देखेंगे तो आप ही के बारे में इस मूवी की जो कहानी है वो भी समझ जाएंगे। पर कुछ लोगों को इस मूवी की जो कहानी है वो समझने में दिक्कत हो सकती है या फिर दोबारा इस मूवी को देखना पड़ सकता है। खैर, आप लोग इस मूवी को देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इसकी कहानी समझ ही जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में, क्या स्टोरी है, क्या आपको देखने को मिलता है, इस मूवी का कलेक्शन क्या रहा था, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कहानी की अगर बात करें तो कहानी हमारी भारतीय कथा पुराणों में देवता असुर और शिव से रहस्य शुरू होकर आज के समय की है। रणबीर कपूर बने हैं एक DJ शिवा, जिन्हें दशहरे के मेले में एक लड़की ईशा यानी कि आलिया भट्ट से पहली बार पहली नज़र वाला फर्स्ट टाइम प्यार हो जाता है। लेकिन प्यार के साथ उन्हें एक सुपर नेचुरल ब्रह्म अनुभव होता है जो उसके बचपन के सपनों के साथ जुड़ा होता है। शिवा की कहानी आगे जुड़ी होती है एक वैज्ञानिक मोहन यानी कि शाहरुख खान और बनारस के पेटर सेटी यानी कि नागार्जुन के साथ, इसी के साथ एंट्री होती है असुरों की जो इन सब की संचालित है वो एक अक्षित। फिर यहाँ पर जो जुनून है वो एक एक करके मोहन और सेटी को मार डालती है। पता चलता है कि सारा खेल ब्रह्मास्त्र को पाने का है जिसकी रक्षा 3 लोग कर रहे होते हैं। मोहन और जुनून का यह खेल शिवा अनुभव करता है जो ईशा के साथ अपने प्यार की शुरुआत करता है। ईशा और शिवा निकल पड़ते मोहन के इस दिव्य अनुभव के तार ढूंढने के लिए और बनारस होते हुए पहुंच जाते हैं ब्रह्म गुरु यानी कि अमिताभ बच्चन के पास, जो शिवा को उनके अंदर की का एहसास दिलाते हैं और अंत में बुराई पर अच्छाई की विजय होती है वे आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। फिल्म काफ़ी महंगी है जिसे बनाने में एक लंबा अरसा लगा है, लेकिन निर्देशक आयन मुखर्जी ने बड़ी मेहनत से बनाया है। फिल्म का मुख्य आकर्षण है फिल्म के स्पेशल इफेक्ट जो काफ़ी अच्छे हैं। मूवी देखकर लगता है कि किसी भी हॉलीवुड का यहाँ पर मूवी जो है उसे टक्कर दे सकता है ब्रह्मास्त्र। फिल्म की फोटोग्राफी काफ़ी अच्छी है और बनारस और हिमाचल के दृश्यों को खूबसूरती के साथ दिखाया गया है।
फिल्म 3D में है इसलिए एक्शन सीन आपको चश्मा लगाकर या फिर IMAX में देखने पड़ सकते हैं। अगर आप इस मूवी को एक बहुत ही बड़ी स्क्रीन पर देखेंगे तो अलग ही आपको आनंद आएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो मूवी है वो इस तरह से बनाई गई है कि बड़े स्क्रीन पर ये मूवी काफ़ी अच्छी लगेंगी। इस मूवी के अंदर जितने भी किरदार हैं सभी कलाकारों ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की हुई है। ये एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है जिसे एक बार देखा जा सकता है। इस मूवी का दूसरा पार्ट भी आएगा जिसकी अनाउंसमेंट बहुत जल्दी ही करा दी जाएंगी, तो आप इस मूवी को दोस्तों एक बार तो ज़रूर देख लीजिएगा। ये मूवी आपको ज़रूर अच्छी लगने वाली है। आने वाले टाइम में अगर इस मूवी का कोई भी प्रीमियर होता है तो मैं आपको बताऊंगा। आप सभी लोग मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में आप सभी को जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस कमाल की मूवी को डिज्नी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाकर देखेंगे। इसके अलावा ये मूवी आपको कैसे लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा।